नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज तीन मुकाबले होने हैं। जो पहला मुकाबला है वो है पटना पायरेट वर्सेस पुनेरी पलटन। तो दोनों ही टीमें, ये है प्लेइंग सेवन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्लेइंग सेवन दोनों ही टीमों की आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज देखना होगा दोनों ही टीमें किस तरह से खेलती हैं। उम्मीद यहां पर काफी अच्छा मुकाबला होने की। तो ये आपको बता दें, ये है टीमें, सचिन है, नीरज कुमार कैप्टन है, साजिन सिंह, रोहित कुलिया है, एस विश्वास है, सुनील है और युवराज है। तो ये है सात टीम पटना पायरेट की। पुनेरी पलटन असलम इनामदार को कप्तान बनाया गया है इस बार। तो ये बहुत ही एक अच्छी सोच, बलदेव भाला साहब जादव है, ऑलराउंडर है, लास्ट ईयर लास्ट बार आए थे तो अच्छा परफॉर्म किया था पिछले। इसमें संकेत सावंत को इन्होंने लिया है, काफ़ी अच्छे डिफेंडर है, पिछली बार अच्छा किया था। मोहित गोयत और असलम इनामदार, ये दोनों ही बहुत अच्छे रेडर है, पिछली बार भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आकाश शिंदे, अलंकर पाटिल, ये नए खिलाड़ी अलंकर पाटिल, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और बादल सिंह लेफ्ट कॉर्नर पे डिफेंडर है। और आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है आज का मुकाबला? थोड़ी ही देर में ये मैच शुरू हो जाएगा, दोनों ही टीमें आने वाली है। कोर्ट पर, और जैसा कि आप जानते हैं प्रो कबड्डी लीग का ये चौथा मैच, पटना पायरेट वर्सेस पुनेरी पलटन। देखना होगा क्या कर पाती है दोनों ही टीमें, किस तरह से आज खेलती है दोनों टीमें, क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या दोनों ही टीमें अपना पहला पहला मुकाबला कोई एक टीम जीतेगी। और दूसरा मुकाबला होगा तमिल थलाइवा और गुजरात जाइंट के बीच में, वहां पर पवन सेहरावत एक्शन में दिखेंगे। तो सभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं इस मुकाबले का। सबसे महंगे स्टार है अभी तक के पवन सेहरावत। पटना पायरेट, पिछली बार सचिन काफी अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, देखते हैं इस बार क्या कमाल करते हैं। ये देखिए अब सचिन, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पुनेरी पलटन की, और अगर असलम इनामदार, इनको कप्तान बनाया है, पिछली बार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और मोहित गोयत का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था। दो नए खिलाड़ी आए हैं इस टीम में, एक है अलंकार पाटिल और बादल सिंह। और अगर पटना पायरेट की बात करें तो यहाँ पर युवराज त्यंगराजन, ये नए खिलाड़ी हैं, तीन बार की चैंपियन है पटना पायरेट। क्या इस बार वो जलवा वापस देखने को मिलेगा हमें या नहीं? तो आप लोग क्या सोचेंगे इसका, क्या सोचते हो इसके बारे में, तो आप बताएं। थोड़ी ही देर में ये मुकाबला शुरू होने वाला है, दोनों ही टीमें होगी आमने सामने, पुनेरी पलटन और पटना पायरेट।
थोड़ी ही देर में यहाँ पर टॉस शुरू होने वाला है। जैसे ही टॉस शुरू होगा हम आपको बताएंगे। तो सचिन और असलम इनामदार ये दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने होंगे आज। तो पुनेरी पल्टन यहाँ पर ग्राउंड पर आती हुई, देखना होगा किस तरह से खेलती है आज पुनेरी पल्टन। असलम इनामदार को हम देख पा रहे हैं काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और टीम आई है ग्राउंड पे और पूरा एक राउंड लिया है ग्राउंड का। बहुत सारे सपोर्टर यहाँ पर है पल्टन के और जिसके साथ इन्हें खेलना है वो है पटना पायरेट। 3 साल 3 बार की डिफेंडर चैंपियन, तीसरे चौथे पांचवें और आठवें में ये क्वालिफाई की थी क्वालिफाई राउंड के लिए 4 बार। और अब आपको बताते असलम इनामदार ये सेंटर में रहेंगे और बाला साहब यादव राइट कवर पे रहेंगे, संकेत सावंत लेफ्ट कवर पे रहेंगे, मोहित कोयत राइट इन पे रहेंगे और आकाश शिंदे लेफ्ट इन पे रहेंगे और अलंकार पाटिल और बादल सिंह ये दोनों ही खिलाड़ी रहेंगे कॉर्नर पे। लेफ्ट कॉर्नर पे बादल सिंह और राइट कॉर्नर पे अलंकार पाटिल, ये दोनों ही नए खिलाड़ी हैं, दोनों को अभी देखा नहीं है खेलते हुए। आज देखना पड़ेगा किस तरह से ये लोग खेलते हैं। और अब बारी है पटना पायरेट्स की। लास्ट ईयर ये टीम फाइनल तक पहुंची थी, फाइनल में हारी थी दिल्ली से बहुत ही कड़े मुकाबले में, क्रूशियल मुकाबले में। और ये टीम यहाँ पर दोनों ही टीम आती हुई, सभी फैन यहाँ पर सलूट करते हुए इस टीम को क्योंकि विजेता टीम है 3 बार ये। और पूरी ऑडियंस हम देख पा रहे हैं कि सलूट करती हुई इस टीम को और पूरा ग्राउंड का राउंड लिया और चैंपियन अक्रॉस 3, 4, 5 लगातार 3 सीजन में चैंपियन रही है और इसने बड़े बड़े स्टार दिए हैं जिसमें प्रदीप नरवाल को आप सभी जानते होंगे। आप देखते हैं यहाँ पर किस तरह से ये टीमें खेलेगी। और यहाँ पर टॉस होने वाला है। असलम इनामदार पिछली बार सुपर 10 5 लगाई थी इन्होंने और 169 पॉइंट स्कोर किए थे, बहुत ही शानदार रहा था पिछला सीजन इनके लिए। अभी देखना होगा कि अब क्या होने वाला है। किस तरह से ये मुकाबला चलता है आगे और कौन सी टीम टॉस जीती है। दोनों ही टीमें तैयार है टॉस करने के लिए। आज हमने एक चीज और देखी है कि फैजल अत्रचली और मोहम्मद नबी बख्श नहीं खेल रहे हैं। तो टोटली आज इंडियन जो खिलाड़ी है वो ही खेलेंगे, ओवरसीज के प्लेयर नहीं खेलेंगे इसमें। तो जैसा कि मैं आपको बताया यहाँ पे आप लाइन अप देख लीजिए, यहाँ पर फैजल अत्रचली और मोहम्मद नबी बख्श का नाम नहीं है, ये है 7 प्लेयर और ये है सब्स्टिट्यूट। आप देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट में भी फैजल अत्रचली और मोहम्मद नबी बख्श नहीं है।
और यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है। दोनों ही टीमें पहुँच गई है कोर्ट में और यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी टीम बढ़त बना पाती है। यहाँ पर दोनों ही टीमें नेशनल एंथम होता हुआ और विद इन 1 मिनट ये मैच शुरू हो जाएगा और दोनों ही खिलाड़ी फ्नेरी पल्टन से फैजल अतरचली और मोहम्मद नबी बख्श दोनों ही नहीं खेल रहे हैं इस बार और पटना पायरेट्स सचिन क्या कमाल कर पाते हैं। पिछली बार का सीजन काफी अच्छा रहा था सचिन के लिए। इस बार किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है ये देखना होगा। तो यहां पर दोनों ही टीमें हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज यहां पर जीतेगी, आप कौन सी टीम के साथ हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। और आपको क्यों लगता है कि पटना पायरेट या पुनेरी पल्टन में से कोई एक टीम जो भी जीतती है, आप उसके बारे में बताएं आपको ऐसा क्यों लगता है। और एक बड़ी बात ये होगी पटना पायरेट्स का इनके लिए, तो देखना होगा कि कितना बेनिफिट उठा पाती है दोनों ही टीमें। तो दोनों ही टीमें तैयार और ये मैच शुरू होता हुआ हैं मैच में। जी हाँ, दोनों ही टीमें आ चुकी है वापस कोर्ट पर। तो 3 बार की विजेता पटना पायरेट्स और पुनेरी पल्टन 1 बार की विजेता। तो आज मुकाबला होगा, एक तो पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी पटना पायरेट, आज क्या वो जलवा बरकरार रहता है। दूसरी बात, इसमें मोहम्मद रीजा भी नहीं खेल रहे हैं आज। यहाँ पर टॉस और पटना पायरेट ने टॉस जीता है और पहली रेड होनी है पुनेरी पल्टन की ओर से। तो यहाँ पर देखना होगा कि कौन रेड करने के लिए आते हैं पुनेरी पल्टन की ओर से। जी हाँ, यहाँ पर काउंटिंग शुरू होती हुई और ये मैच शुरू होने की कगार पर पुनेरी पल्टन की ओर से असलम इनामदार या मोहित गोयल दोनों में से कोई एक रेड करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। देखना होगा कि किसे भेजा जाता है रेड करने के लिए यहाँ पर। और ये मैच शुरू होता हुआ यहाँ, और पहली ही रेड में आए हैं असलम इनामदार। देखना होगा असलम इनामदार यहाँ पर बोनस ले पाते हैं या नहीं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं असलम इनामदार पहली ही रेड कर रहे हैं और देखना होगा कि क्या बोनस मिलेगा इन्हें या नहीं।
और यहाँ पर सचिन आए हैं रेड करने के लिए, तो बोनस एक जरूर मिला है पुनेरी पर्टन को। पुनेरी पर्टन ने अपना खाता खोला वन लव, और दूसरी तरफ दोबारा यहाँ पर मोहित कुहेत को भेजा गया है रेड करने के लिए। 1-0 का स्कोर है, पुनेरी पर्टन 1 और पटना पायरेट 0। देखना होगा मोहित कुहेत यहाँ पर जी हाँ, सुनील को आउट किया है नीरज, यस सुनील, और मोहित कुहेत को एक पॉइंट मिलता हुआ, तो 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर पुनेरी पल्टन को, तो 3-0, 3-0 का स्कोर। और एक बार फिर यहाँ पर रेड के लिए आते हुए नीरज कुमार, विश्वास एस, और यहाँ पर देखना होगा कि क्या ये 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है या ये सुपर रेड हो सकती है। एस विश्वास पर एम्पायर आपस में बात करते हुए, 2 पॉइंट मिले हैं पटना पाइरेट्स को, तो क्या खाता खुला है 2-3 का स्कोर। पटना पाइरेट 2 पुनेरी पल्टन 3, टू थ्री का स्कोर। और यहां पर रोहित गुलिया का शिकार किया है यहां पर आकाश शिंदे ने, और 1 पॉइंट और मिलेगा, 4-2 का स्कोर। और यहां पर रेड करने के लिए अब आए हैं सचिन, लेकिन बोनस यहां पर नहीं दिया गया है। 4-2 का स्कोर अभी भी, और अब मोहित कुहेत आए हैं रेड करने के लिए, 6 खिलाड़ी है इस समय पटना पायरेट्स के। और मोहित कुहेत पिछली बार बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया था, अभी तक 1 पॉइंट लिया है इन्होंने, और यहाँ पर वापस आएंगे, देखना होगा कि अब बोनस मिला है या नहीं, लेकिन नहीं। और अब एक बार फिर से रेड के लिए आए हैं विश्वास एस, पिछली रेड में 2 पॉइंट लेकर गए थे, और यह जबरदस्त टैकल यहाँ पर, बहुत ही शानदार टैकल, और एक और पॉइंट मिलता हुआ पुनेरी पल्टन को, 4-2। शानदार, तो 5-2 का स्कोर। और अब रेड पर गए हैं असलम इनामदार, 5 खिलाड़ी है तो बोनस नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो देखना होगा कि क्या पॉइंट ले पाते हैं यहाँ पर असलम इनामदार या नहीं। 1 ही पॉइंट अभी तक स्कोर कर पाए, और यहाँ पर टैकल कर लिए गए हैं, बहुत ही शानदार टैकल। और अब सचिन को भेजा नीरज ने रेड करने के लिए, 3-5 का स्कोर, बहुत ही अंदर आ गए थे। और एक बार फिर से सचिन आए हैं खुद रेड करने के लिए, 6 खिलाड़ी है यहाँ, और यहाँ पर अभिषेक नटराजन शायद ये बाहर स्टेप आउट कर गए हैं। जी हाँ, एक और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर पटना पायरेट को, 4-5 का स्कोर। और अब रेड होनी है पुनेरी पल्टन की, उसे देखना होगा क्या मोहित कोयत और एस विश्वास में से कौन रेड के लिए जाता है। जी हाँ, मोहित कोयत आए हैं रेड करने के लिए, 4-5 का स्कोर है। दोनों ही टीमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई यहाँ, मोहित गोयत, और यहाँ पर टैकल किया है मोहित गोयत को, बहुत ही जबरदस्त टैकल, शानदार टैकल, और ये पॉइंट मिलता हुआ पटना पायरेट्स को, 5 ऑल। मोहित गोयत और असलम इनामदार दोनों ही बाहर है, और शानदार टैकल किया यहाँ पर, और एक बार फिर यहाँ पर, और रोहित गुलिया को जाना होगा बाहर,
एक पॉइंट मिलता हुआ पटना पायरेट्स को, सॉरी पुनेरी पल्टन को 6-5 का स्कोर। और बहुत ही शानदार पर एम्पायर कुछ डिस्कशन करते हुए, अभी तक ऑफिशियली रिजल्ट नहीं आया जर्सी पुल का। यहाँ पर ऐसा लग रहा है तीनों एम्पायर आपस में बात करते हुए, ये देखना होगा कि किसके फेवर में यहाँ पर जाता है ये डिसीजन। यहाँ पर पुनेरी पल्टन को पॉइंट मिलेगा 6-5 का स्कोर, 7-5 बोनस और मिला है, 7-5 का स्कोर। और देखना होगा कि आकाश शिंदे वापस आए, कोई पॉइंट नहीं। और यहाँ पर रेड होनी है अब पुनेरी पल्टन की ओर से, असलम इनामदार इस बार रेड करने के लिए आए, बोनस पॉइंट है इनके पास। और ये टेप स्टेप आउट करके बाहर को, और जाना होगा इन्हें बाहर। ये पॉइंट मिलता हुआ पटना पायरेट को 6-7, अपनी गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए। और अपनी गति पर कंट्रोल नहीं कर पाए और एक बार फिर से सचिन आए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा यहां पर क्या स्ट्रेटेजी रहती है सचिन के विरुद्ध। वापस गए सचिन, कोई पॉइंट नहीं। आकाश रेड करने के लिए आए हैं आकाश शिंदे, तो आज क्या कमाल करते हैं आकाश चंद्रे, बोनस पॉइंट रहेगा इनके लिए। और यहां पर देखना होगा दो है या आउट है, एम्पायर का वेट करना होगा, एम्पायर क्या रिजल्ट देते हैं। ये बहुत ही करीबी मामला, और यहां पर रिव्यू लिया है, रिव्यू की डिमांड हुई है, रिव्यू की डिमांड हुई है। और थर्ड एम्पायर फैसला लेंगे, देखना होगा थर्ड एम्पायर किसके फेवर में ये डिसीजन जाता है। 6-7 का स्कोर है, सिक्स सेवन बोनस पॉइंट तो है यहां पर, आकाश शिंदे को बोनस पॉइंट जरूर मिलेगा। इसके बाद देखना होगा इन्होंने सजिन ने इन्हें टच किया है, सी सजिन, तो क्या ये बाहर से कूदने से पहले टच किया है इन्होंने सेंटर लाइन या नहीं। ओ करीबी मामला है, दूसरे एंगल से देखना होगा, तो क्या दो पॉइंट लेने में सक्सेसफुल रहेंगे। बोनस जरूर मिला है सजिन सी जी, नहीं बाहर से इनका हाथ अंदर आया है, तो रेडर को आउट जाना होगा। दोनों को कॉमन पॉइंट मिलेगा, एक एक पॉइंट। ये पहले बाहर जा चुके थे उसके बाद इनका हाथ अंदर आया, तो इनको जाना होगा आउट। दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, बोनस पॉइंट मिलेगा पुनेरी पल्टन को और पॉइंट मिलेगा पटना पायरेट को, तो 8-7 का स्कोर रह जाएगा। यस, तो 8-7, और डू एंड डाई रेड में इस समय सचिन, और सुपर टैकल ऑन। देखना होगा कि क्या यहां पर टैकल कर पाते हैं सचिन को, नहीं नहीं। और
एक और पॉइंट मिलता हुआ। इस समय यहाँ पर 2 पॉइंट की डिमांड हो रही है, लेकिन 1 पॉइंट दिया है एम्पायर ने। क्या यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है या नहीं? जी हाँ, रिव्यू किया है, रिव्यू किया लिया है यहाँ पर। देखना होगा कि क्या सक्सेसफुल रहता है रिव्यू। 1 पॉइंट जरूर मिला है। दूसरा यहाँ से ऐसा लगा नहीं कि टच हुआ है। अभी देखना होगा एम्पायर क्या डिसीजन देते हैं। संकेत सावंत को टच हुआ है। जी हाँ, तीन पॉइंट, तीनों के तीनों आउट है यहां से। ये लॉन लग सकता है यहां पर, तीनों के तीन आउट है जहां से लग रहा है। एक बार देखना होगा कि बादल सिंह, एक बार फिर से दूसरे एंगल से देखना होगा। जादव शाह जी, बहुत ही करीबी मामला है यहां पर। ऐसा लग रहा है कि तीनों के तीन पॉइंट मिलने चाहिए यहां पर पटना पायरेट्स को। अगर ये तीनों पॉइंट मिल जाते हैं तो पटना पायरेट्स एकदम 5 पॉइंट हो जाएंगे उसके, 12-8 भी होगी दोनों ही टीमें। संकेत सावंत, जादव शाह जी, ये दो तो श्योर आउट है। और क्या एक और पॉइंट मिलता है इन्हें या नहीं, ये देखना होगा। और क्या बादल सिंह को भी टच किया है या नहीं, ये यहां देखना होगा। और यहां पर जी हाँ, बादल सिंह को भी टच किया है, तो ये लॉन लगा है। तीनों के तीन खिलाड़ी आउट दिए जाएंगे। वेट कर रहे हैं एम्पायर के फैसले की। अगर आप स्कोर की बात करें इस समय, तो तीनों खिलाड़ी जाएंगे बाहर, 12-8 का स्कोर रह जाएगा ये। ट्वेल्व एट लॉन, यहां पर 2 पॉइंट मिले हैं। सक्सेसफुल रिव्यू, 9-8 का स्कोर हुआ है अभी। और अंतिम खिलाड़ी है अब रेट करने के लिए आए हैं, पंकज मोहिते। देखना होगा पंकज मोहिते क्या कर पाएंगे यहाँ। और अंतिम खिलाड़ी है, बोनस ऑन है इनके लिए। क्या यहाँ पर पॉइंट ले पाते हैं या नहीं? ओहो, लेकिन नहीं, जबरदस्त टैकल यहाँ पर और पॉइंट मिलेगा यहाँ पटना पायरेट्स को। 3 पॉइंट मिलेंगे, 12। और क्या 1 पॉइंट बोनस पॉइंट जरूर मिलेगा? जी हाँ, 12-9 का स्कोर। तो पहला लोन लगता हुआ यहाँ पर पुनेरी पल्टन को, और बहुत जबरदस्त यहाँ पर। एक बार ऐसा लगा कि डुबकी मार के वो निकल चुके हैं, लेकिन साथ काफी अच्छा दिया टीम ने और आउट होकर बाहर गए पंकज मोहिते। पूरी टीम अंदर आ चुकी है और रेड पर है अब सचिन। सचिन, देखना होगा कि क्या कमाल कर पाते हैं यहां पर। और बोनस लेने की कोशिश हो रही है यहां पर। लेकिन नहीं, और असलम इनामदार रेट करने के लिए आए हैं अब। असलम इनामदार काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आज उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। कप्तान है टीम की अपनी, आज इनको और यहां पर जी हाँ, 1 पॉइंट मिला है। क्या सुनील को आउट किया है, तो क्या ये बोनस पॉइंट मिलेगा या नहीं? एक ही पॉइंट मिला है, जी हाँ। तो यहां पर 10-12 का स्कोर रेट होनी है अब विश्वास रेट करते हुए।
चुनाव का विश्वास क्या कमाल कर पाते हैं। बोनस ऑन है यहाँ पर और अभी तक बोनस नहीं लिया है। कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की लेकिन नहीं, वापस जाएंगे। बोनस नहीं मिला है और अब रेड होनी है पुनेरी पल्टन की ओर से। देखना होगा कि क्या मोहित को एताते हैं या किसी और को भेजा जाता है। जी हाँ, मोहित को एताए हैं रेड करने के लिए। काफी अच्छा खेलते हैं लेकिन आज इन्हें अपनी टीम, जी हाँ, एक और अभिषेक नटराजन से सी साजन, सॉरी सी साजन को यहाँ पर टच आउट किया है और सी साजन को जाना पड़ेगा बाहर। एक और पॉइंट मिलता है पुनेरी पल्टन को, 11-12। अच्छी वापसी, सचिन यहाँ पर रेड के लिए तैयार। डू एंड डाई रेड है ये, डू एंड डाई रेड, और बोनस भी ऑन है। तो यहाँ पर पूरी टीम और अनसक्सेसफुल, बादल का अनसक्सेसफुल प्रयास, कोशिश किया और एक पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर पटना पायरेट्स को, 13-11 का स्कोर। थोड़ी सी चूक कर बैठे यहाँ पर, और लंबे कद के खिलाड़ी है सचिन। एक बार फिर से असलम इनामदार रेड करने के लिए आए हैं, तो बोनस ऑन है इनके लिए भी क्योंकि 6 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट पर पटना पायरेट्स के, और असलम इनामदार अभी तक बोनस नहीं लिया है इन्होंने, तो ज़्यादा डिफेंडर पर निर्भर कर रहे हैं। वापस गए और एक बार फिर से सचिन आए हैं रेड करने के लिए, तो इनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेवारी होगी। पिछली बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था सचिन ने, और देखना होगा मोहित कोयत। और जबरदस्त टैकल, जबरदस्त टैकल संकेत सावंत का। एक और पॉइंट मिलेगा पुनेरी पल्टन को, 12-13 का स्कोर। और सचिन वापस जाते हुए, और अब यहां पर रेड होनी है। जबरदस्त टैकल किया यहां पर, सॉरी बाला साहब यादव ने टैकल किया है ये। और मोहित गोयत क्या यहां पर पॉइंट ले आते हैं या नहीं? अगर ऐसा हुआ तो नीरज को जाना होगा बाहर, और देखना होगा कि एम्पायर का क्या डिसीजन आता है। मोहित कोयत ने यहाँ पर सुनील को टच किया और उसके बाद 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जी हाँ, 2 पॉइंट, नीरज और सुनील दोनों ही आउट होकर जाते हुए बाहर, और विश्वास आए हैं रेड करने के लिए। अब बोनस ऑन है यहाँ पर, और जबरदस्त टैकल यहाँ पर, बहुत ही शानदार। पुनेरी पल्टन वापस आती हुई टीम में, और 15-13 का स्कोर, जबरदस्त, बहुत ही शानदार। अब देखना होगा बाला साहब जादव, बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने टैकल किया है। तो लास्ट ईयर अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला था इनको, लेकिन इस बार जबरदस्त परफॉर्म करते हुए मोहित को ट्रेड करने के लिए गए हैं, और एक पॉइंट, 15-16-13 का स्कोर, 16-13। और अब यहां पर रेड होनी है पटना पायरेट्स की ओर से, और पटना पायरेट्स की ओर से सुनील आए हैं रेड करने के लिए। सुनील कुमार, जी हाँ, पॉइंट जरूर मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, बोनस प्लस पॉइंट, 2 पॉइंट, 15-16 का स्कोर। और मोहित को आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। रोहित कुलिया थे पहले, और मोहित कोयत यहाँ पर, क्या ये दोनों आउट है क्या? ये देखना होगा। जी हाँ, एक ही पॉइंट मिलेगा, और 17-15 का स्कोर। साजिन आउट होकर जाते हुए, और अब है यहाँ पर रोहित कुलिया बचे हैं अंतिम खिलाड़ी, तो बोनस इन्हें लेने दिया, ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहते। तो क्या ऑल आउट यहाँ पर बचा पाएंगे? जी हाँ, जबरदस्त टैकल यहाँ पर, बहुत ही शानदार टैकल, और एक बोनस पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। 2016 पटना पायरेट 4 पॉइंट्स पीछे चलती हुई यहाँ पर,
2016 2016 का स्कोर, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। और एक बार फिर यहाँ पर असलम इनामदार आए हैं रेड करने के लिए, सॉरी आकाश शिंदे आए हैं। देखना होगा आकाश शिंदे क्या कमाल करते हैं इस बार, बहुत ही अच्छे रेडर। लेकिन जाना होगा वापस बिना किसी पॉइंट्स के। और अब सचिन आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। सचिन बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, पिछली बार जबरदस्त परफॉर्म किया था पिछले सीजन में। यहाँ पर डिफेंस डिफेंस और रेट बहुत ही शानदार कर रहे हैं आज पुनेरी पल्टन। और अब मोहित को आए हैं रेड करने के लिए। 16-20 का स्कोर अभी भी यहां पर, और एक पॉइंट मिलेगा क्या? सी साजन यहां पर आउट हुए हैं, देखना होगा। 21-16 का स्कोर। और एक बार फिर से यहां पर रेड हो रही है, रोहित कोहली आए हैं रेड करने के लिए। और जबरदस्त टैकल यहां पर, शानदार टैकल पुनेरी पल्टन की ओर से जादव शाहजी, जबरदस्त। और रोहित कुलिया का टैकल क्या, इन्हें बोनस भी नहीं मिला है। देखना होगा अब किसे असलम इनामदार गए हैं रेड करने के लिए। तो अब 1:23 का ये मैच बचा है, हाफ फर्स्ट हाफ बचा है। देखना होगा कि क्या असलम इनामदार क्या दूसरे ऑल आउट की तरफ जाते हैं या नहीं। और वापस गए असलम इनामदार और कोई पॉइंट नहीं। और विश्वास एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं, देखना होगा विश्वास क्या कमाल करते हैं यहाँ पर। वापस गए और मोहित कोयत आए हैं यहाँ पर रेड करने के लिए। तो मोहित कोयत क्या कमाल करते हैं ये देखना होगा, जबरदस्त परफॉर्मेंस इनका रहा, काफी एक्टिव दिख रहे हैं। और थोड़ी सी पुनेरी पल्टन अगर बात करें तो काफी एग्रेसिव दिख रही है, और पटना पायरेट का एग्रेशन नहीं दिख रहा है। सचिन आए हैं रेड करने के लिए अब, और वापस गए सचिन। तो यहां पर होनी है डू एंड डाई रेड, और पंकज मोहिते को भेजा गया है डू एंड डाई रेड में। सॉरी आकाश शिंदे को भेजा गया है डू एंड डाई रेड में। और यहां पर पॉइंट जरूर मिलेगा, जी हाँ पॉइंट लेकर आए हैं 23-16 का स्कोर। आकाश शिंदे के 4 पॉइंट हो चुके हैं। और क्या यहाँ पर हाफ टाइम, जी हाँ हाफ टाइम का सिग्नल यहाँ पर, और स्कोर हुआ है 22-16 का। तो 6 पॉइंट से आगे चलती हुई इस समय पुनेरी पल्टन। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से ये मैच खेला, कितने पॉइंट एक टीम ने लिए हैं वो आपको दिखाते हैं। लाइनअप ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनअप। सचिन को 3 पॉइंट मिले हैं, पहले पटना पायरेट्स की बात करते हैं। सचिन को 3 पॉइंट मिले हैं, जिसमें से आप देखिए टोटल रेड पॉइंट है, टोटल रेड इन्होंने 9 की है, और 3 सक्सेसफुल रेड रही है, 1 अनसक्सेसफुल और 5 एम्प्टी रेड इनकी रही है। टैकल इन्होंने नहीं किया है अभी तक, नीरज कुमार का खाता नहीं खुला है। सचिन ऑलराउंडर है, 1 टैकल इन्होंने जरूर किया था। रोहित कुलिया ने 3 पॉइंट लिए हैं, ऑलराउंडर, टोटल 5 रेड की है, जिसमें कि 1 सक्सेसफुल रेड रही है और 3 रेड अनसक्सेसफुल रही है, और एम्प्टी रेड 1 रही है। टैकल इन्होंने 1 प्रयास किया है टैकल करने का, और वो अनसक्सेसफुल रहा है रोहित कुलिया। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए विश्वास एस नए खिलाड़ी है, तो इन्होंने टोटल 6 रेड की है, 1 रेड सक्सेसफुल रही है, 2 अनसक्सेसफुल और एम्प्टी रेड इनकी रही है 3। टैकल 1 बार इन्होंने प्रयास किया है टैकल करने का, और वो अनसक्सेसफुल रहा है। और सुनील जो कि राइट कॉर्नर के डिफेंडर हैं, और यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट लिए हैं, 3 बार इन्होंने 5 बार प्रयास किया है टैकल करने का, 3 बार सक्सेसफुल रहे और अनसक्सेसफुल 2 बार रहे हैं। और अब बात करते हैं
यहाँ पर पुनेरी पल्टन की, तो असलम इनामदार टोटल 6 रेट्स की है, 2 सक्सेसफुल, 2 अनसक्सेसफुल और 2 एम्प्टी रेट। और दूसरे बाला साहब यादव बहुत ही शानदार इन्होंने आज टैकल किए थे, बहुत ही ज़बरदस्त, तो टोटल 4 बार प्रयास किया है, 2 बार सक्सेसफुल रहे हैं, 2 बार अनसक्सेसफुल। और संकेत सावंत ने एक टैकल किया है अभी तक, और मोहित कोयत 8 पॉइंट ले चुके हैं अभी तक, टोटल 9 रेट की है जिसमें 6 सक्सेसफुल, 1 अनसक्सेसफुल और 2 एम्प्टी रेट, और टोटल 2 टैकल किए हैं, 1 सक्सेसफुल रहा है और 1 अनसक्सेसफुल। और आकाश शिंदे ने 4 पॉइंट स्कोर किए हैं, आप देखिए तो टोटल रेट इन्होंने की है 5, 3 सक्सेसफुल रेट रही है इनकी, 1 अनसक्सेसफुल। और अलंकार पाटिल तो राइट कॉर्नर पे डिफेंडर है, बहुत ही शानदार इन्होंने एक टैकल किया था और एक टैकल इनका अनसक्सेसफुल रहा था। और बादल सिंह जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो इन्होंने 3 बार प्रयास किया टैकल का लेकिन 1 ही बार कामयाब हुए और 2 बार कामयाब नहीं हुए। अब आपको नीचे दिखाते हैं यहाँ पर टीम स्टेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है कंपैरिजन दोनों ही टीमों का, 16 पॉइंट है पटना पायरेट्स के, 23 पॉइंट है पुनेरी पल्टन के, तो 8 रेड पॉइंट मिले हैं पटना पायरेट्स को और 14 रेड पॉइंट मिले हैं पुनेरी पल्टन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडर ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है यहाँ पर, स्पेशली अगर बात करें तो मोहित कोयत ने ज़बरदस्त 8 पॉइंट पर है वो, और टैकल पॉइंट की बात करें तो 4 पटना पायरेट्स के हैं और 6 पुनेरी पल्टन के हैं, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं इनको, और ऑल आउट पॉइंट दोनों ही टीमों के बराबर है 2-2, और एक्स्ट्रा पॉइंट 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले हैं पटना पायरेट्स को और 1 पॉइंट मिला है पुनेरी पल्टन को। और अब यहाँ पर देखते हैं सक्सेसफुल रेड, दोनों की तरफ से 20 रेड हुई है पटना पायरेट्स की ओर से और 21 रेड हुई है पुनेरी पल्टन की ओर से, जिसमें कि पटना पायरेट की 20 रेडों में से 5 सक्सेसफुल रेड है, और सक्सेस रेट है इनका 25% और स्ट्राइक रेट है 40% और लॉन्गेस्ट स्ट्राइक रही है 2। वहीं अगर बात करें पुनेरी पल्टन की, 21 रेड पुनेरी पल्टन ने की है जिसमें से 11 सक्सेसफुल रही है, सुपर रेड अभी तक नहीं हुई है, और इनका सक्सेस रेट है 52% और स्ट्राइक रेट है 66.67% और लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल स्ट्राइक रही है 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और टैकल की बात करें तो 14 टैकल किए हैं पटना पायरेट्स ने और 4 सक्सेसफुल रहे हैं उनमें से, और टैकल सक्सेस रेट है इनका 28%। और दूसरी अगर बात करें पुनेरी पल्टन ने 12 बार टैकल करने का प्रयास किया है, 6 बार सक्सेसफुल रहे हैं और 50% सक्सेसफुल रेट है इनका सक्सेस रेट। तो अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में फिर से ये मुकाबला शुरू होगा, ये टीम स्टेट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहां पर अब एक बार फिर से ये मैच शुरू होने वाला है। जी हाँ, मोहित कोयत आए हैं पहले ही रेड के लिए, तो 16-23 का स्कोर है और अब देखना होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है यहाँ पर। और अगला जो मैच होगा वो होगा बंगाल वॉरियर्स, जी नहीं, गुजरात जायंट्स और तमिल थलाइवा के बीच में, जिसमें कि पवन सेहरावत हमें एक्शन में दिखेंगे। और पटना पायरेट्स यहाँ पर सचिन आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा सचिन क्या कमाल करते हैं इस बार, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही उम्मीद है इनसे टीम को, तो ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। और सचिन वापस गए और असलम इनामदार आए हैं रेड करने के लिए, 4 खिलाड़ी है पटना के असलम इनामदार। तो अभी तक असलम इनामदार ने मात्र 2 पॉइंट लिए हैं, तो क्या यहाँ पर एक और पॉइंट स्कोर कर पाएंगे या नहीं, और वापस जाएंगे असलम इनामदार, जी हाँ वापस गए। और अब सचिन एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, तो बोनस पॉइंट ऑन है सचिन के लिए,
तो कोशिश करनी होगी यहाँ पर सचिन को पॉइंट लेने की। तो बोनस शायद इन्हें मिला है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बोनस तो इन्होंने लिया है, देखना होगा कि क्या। जी नहीं, बहुत ही गलत प्रयास, क्या बोनस मिला है? जी हाँ, बोनस प्लस वन पॉइंट, टैकल करने का प्रयास लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे, और यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे। जी हाँ, 2 पॉइंट मिले हैं, 18-23 का स्कोर, बहुत ही क्रूशल मोमेंट कहा जाएगा ये मैच का। यहाँ पर अलंकार ने यहाँ पर गलत प्रयास किया और असलम इनाम आकाश शिंदे एक बार फिर से रेड करने के लिए आते हुए, बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि 5-6 खिलाड़ी हैं, और वापस जाना होगा आकाश शिंदे को। एक बार फिर से रेड होनी है पुनीरी पर्टन की ओर से, देखना होगा कि किसे सचिन आए हैं, सॉरी पटना पायरेट्स की ओर से सचिन आए हैं रेड करने के लिए। 6 खिलाड़ी है पटना पायरेट्स की अब, और बोनस यहां पर ऑन रहेगा, तो क्या बोनस ले पाएंगे या नहीं? यहां पर गलती नहीं करनी होगी। जी नहीं, और मोहित कोयत आए हैं रेड करने के लिए, तो क्या ये डू एंड डाई रेड है? जी हाँ, डू एंड डाई रेड में मोहित कोयत। अब यहां पर देखना होगा कि पॉइंट लेना जरूरी, और जबरदस्त टैकल, मोहित कोयत को टैकल कर लिया है, पॉइंट मिलेगा यहाँ पर पटना पायरेट को, और 19-23 का स्कोर। तो अभी जब से हाफ टाइम के बाद से यहाँ पर एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया है पुनेरी पल्टन ने, बहुत ही अच्छी सोच समझ बूझ के साथ उतरी है पटना पायरेट्स, और रोहित को लिया है रेड करने के लिए। 5 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट पर, रोहित कुलिया ज़्यादा अंदर नहीं आ रहे हैं और वापस गए बिना किसी पॉइंट के, और अब रेड होनी है एक बार फिर से, क्या नहीं? जी नहीं, असलम इनामदार आए हैं रेड करने के लिए, असलम इनामदार को यहाँ पर पॉइंट लेना होगा क्योंकि अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिला है असलम इनामदार को सेकंड हाफ में, और बोनस ऑन है इनके लिए, तो क्या यहाँ पर बोनस ले पाएंगे या नहीं? बहुत ही, क्या डिफेंस को भापकाया गया नहीं, क्या यहाँ पर बोनस मिला है या नहीं? जी नहीं, जी नहीं, और डू एंड डाई रेड में सचिन 19-23 का स्कोर, तो क्या यहाँ पर सचिन को टैकल कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी, बोनस यहाँ पर नहीं है, और जी हाँ, 1 पॉइंट जरूर लिया है, देखना है किसे आउट किया है यहाँ। जी संकेत सावंत को जाना होगा बाहर, पॉइंट मिलेगा एक और, 20-23 का स्कोर। तो आप देख रहे हैं अभी तक 4 मिनट का स्कोर हो चुका है, एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया है पुनेरी पल्टन ने। एक बार फिर असलम इनामदार आए हैं रेड करने के लिए, असलम इनामदार यहाँ पर पिछला सीजन इनका बहुत अच्छा रहा था, और यहाँ पर इनको बाहर पुश किया है असलम इनामदार को, और ये पॉइंट मिलेगा, एक और पॉइंट पटना पायरेट्स को। आकाश शिंदे थे ये, आकाश शिंदे थे, और 21-23 का स्कोर, अभी तक खाता नहीं खुला है दूसरे हाफ में पुनेरी पल्टन का, और सुपर टैकल ऑन है इस समय, रोहित गुलिया है रेड पर। क्या यहाँ पर असलम इनामदार की नाकामयाब कोशिश, सॉरी आकाश शिंदे की नाकामयाब, असलम की नाकामयाब कोशिश, और एक और पॉइंट मिलता हुआ पटना पायरेट्स को, 22-23 का स्कोर। और अब देखना होगा कि कौन आता है रेड के लिए, अननेसेसरी प्रयास किया यहाँ पर असलम इनामदार ने, इतने जरूरत नहीं थी इस तरह के प्रयास की, ऑलरेडी आप लीड पे हो 22-23, और अब आकाश शिंदे फिर से आए हैं, पंकज मोहिते, सॉरी नॉट आकाश शिंदे, पंकज मोहिते आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। तो पंकज मोहिते के लिए बोनस ऑन है, तो क्या बोनस यहां पर ले पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। 7 के 7 खिलाड़ी है इस समय पटना पायरेट्स के, तो मुझे यहां से लगता है कि बोनस जरूर मिला होगा, लेकिन नहीं, और अब रेड होनी है, सुपर टैकल ऑन है, और सचिन आए हैं रेड करने के लिए। जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पर सचिन कह रहे हैं कि पॉइंट मिला है,
देखना होगा कि क्या पॉइंट दिया है या नहीं। नहीं दिया है, सचिन को करार दिया है आउट। 24-23 का स्कोर और अंतिम खिलाड़ी है यहाँ पर रेड करने के लिए और इनको पुश किया है बाहर की तरफ और एक बार लॉन लगता हुआ तो ऑल आउट होती हुई टीम और स्कोर यहां पर होगा 26-20। तो यहां पर देखा जा रहा है कि क्या इनको बोनस मिलेगा या नहीं, या बोनस है या नहीं है, ये देखना होगा। तो दूसरी बार ऑल आउट हुई है ये टीम। जी नहीं, नहीं है बोनस यहाँ पर और यहाँ पर रेड होती हुई पुनेरी पट्टी पटना पायरेट्स की ओर से। सचिन है रेड पर, 7 पॉइंट अभी तक लिए है सचिन ने और अभी भी ज्यादा हाथ से निकला नहीं है पुनेरी पल्टन के ये मैच। अगर ये अच्छी तरह से खेले तो नेचुरली वापस आ सकते हैं। असलम इनामदार आए हैं रेड पे अब और अपने कॉन्फिडेंस से खेलना होगा। यंगस्टर है, पूरी टीम यंग है और अगर ये टीम ऐसा खेल रही है यंग में तो आप सोचिए कि अगर फैजल अतरचली और मोहम्मद नबी बख्श आएंगे तो डेफिनेटली वन प्लस पॉइंट रहेगा टीम के लिए ये। और वापस गए असलम इनामदार, क्या इन्हें बोनस मिला है या नहीं? नहीं मिला है और रोहित कुलिया आए हैं रेड करने। जी हाँ, बोनस दिया गया है, 25-26 का स्कोर और रोहित कुलिया आए हैं रेड करने के लिए। रोहित कुलिया को क्या टैकल कर पाएंगे इस बार? काफी समय, गलत प्रयास, देखना है क्या सुपर रेड हो सकती है पहली। ये क्या आज की पहली सुपर रेड हो सकती है यहां पर, ये देखना होगा। जी नहीं, 2 पॉइंट मिले हैं यहां पर, 2 पॉइंट दिए हैं। जी हाँ, 2 पॉइंट, मात्र 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर। और मोहित को आए हैं रेड करने के लिए, 25-28 का स्कोर है यहाँ। और वापस गए, और एक बार फिर यहाँ पर रेड होती हुई। विश्वास एस आए हैं रेड करने के लिए और गए हैं वापस। और अब यहाँ पर 1 पॉइंट का दावा कर रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट मिलता है या नहीं? जी हाँ, यहाँ पर पॉइंट मिला है, तो 26-28 का स्कोर। और अब एक बार फिर से यहाँ पर रेड करने के लिए आए हैं विश्वास, तो देखना होगा कि विश्वास यहाँ पर कितना और विश्वास जीतेंगे। और एक बार फिर गलती की किसने? मोहित गोयत ने। मोहित गोयत को जाना होगा बाहर। 29-26, आप इस तरह के पॉइंट नहीं दे सकते हैं। 29-26 का स्कोर। और अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 1 मिनट 30 सेकंड का ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा और उसके बाद फिर से उतना ज्यादा गैप नहीं है। पुनेरी पल्टन क्या वापसी कर पाती है या नहीं? 5 खिलाड़ी उसके कोर्ट पर है और पटना पायरेट्स के 7 खिलाड़ी है कोर्ट पर, तो वापसी करनी होगी यहां पर। और कैपेबल है ये टीम वापसी करने में, तरह से खेल रही है। पहले पटना पायरेट लीड पे थी, उसके बाद जबरदस्त वापसी की पुनेरी पल्टन ने और हाफ टाइम तक पुनेरी पल्टन लीड पे थी। और अब सेकेंड हाफ का ये फर्स्ट हाफ है, तो वहां पर अगर देखे तो एक बार फिर से पटना पायरेट्स लीड करती हुई। और
अब 10 मिनट बचे हैं इस मुकाबले के, 10 मिनट में देखना होगा कि क्या पुनेरी पल्टन कम बैक कर पाती है या नहीं। तो आप ये देखिए कि अगर पुनेरी पल्टन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फाइट दे रही है, बल्कि दो जो स्टार खिलाड़ी है नबी बख्श और फैजा रतरचली वो अभी टीम में नहीं है, अगर वो टीम में आ जाएंगे तो ये टीम बहुत ही सॉलिड होगी, डिफेंसिव डिफेंस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त होगी टीम। काम करना होगा यहाँ रेडर को, क्योंकि रेडिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी ढीली रही है आज टीम, उतने ज़्यादा पॉइंट स्कोर नहीं किए हैं, एकमात्र मोहित गोयल ने अच्छा स्कोर किया है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम देखें 7 पॉइंट सचिन के हैं और मोहित गोयल के 8 पॉइंट हैं, असलम इनामदार के 3 पॉइंट हैं और आकाश शिंदे ने अच्छा काम किया है टीम के लिए, 5 पॉइंट लिए हैं। और मोहित गोयल, आकाश शिंदे ये स्टार है अभी तक के पुनेरी पल्टन की ओर से। और पटना पायरेट्स की ओर से देखिए तो सचिन ने ज़बरदस्त 7 पॉइंट लिए हैं, नीरज ने 2 पॉइंट लिए हैं, सजन सी ने 2 पॉइंट लिए हैं, रोहित गुलिया ने 6 पॉइंट लिए हैं और बाकी डिफेंडर आप रेडर देखिए विश्वास ने 3 पॉइंट लिए हैं, सुनील ने 3 पॉइंट लिए हैं। और अब एक बार फिर से ये मैच शुरू होता हुआ, तो दोनों ही टीमें आ चुकी है कोर्ट पर। तो अब क्या लगता है आपको, आप बताएं हमें कि कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है आज का मुकाबला, और कल पुनेरी पल्टन और बेंगलुरु बुल्स, दिल्ली और गुजरात, और उसके बाद होगा हरियाणा स्टीलर्स और तमिल थलाइवा के बीच में। अगला जो मुकाबला होना है वो होना है तमिल थलाइवा और गुजरात जायंट्स के बीच में, और पवन शेखावत एंड टीम हमें दिख रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए, वार्म अप करते हुए। गुजरात जायंट्स, तमिल थलाइवा, नेक्स्ट आपको पवन शेखावत एक्शन में दिखेंगे। और यहाँ पर अंतिम 9 मिनट 53 सेकंड का ये मैच बचा है और रेड पे गए हैं असलम इनामदार। असलम इनामदार को यहाँ पर कप्तानी वाली पारी खेलनी होगी, अन्यथा इजीली तरीके से यहाँ पर जीत जाएगी पटना पायरेट्स, तो ये कभी नहीं चाहेगी पुनेरी पल्टन। अभी तक इतने सफल नहीं रहे हैं असलम इनामदार अभी रेड करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर आकाश शिंदे हैं, इन दोनों का हेयर कट एक जैसा ही है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि आकाश शिंदे हैं असलम इनामदार है। और अब सचिन आए हैं रेड करने के लिए पटना पायरेट्स की ओर से, और 5 खिलाड़ी है इस समय पुनेरी पल्टन के। क्या यहाँ पर नहीं, रिस्क नहीं ले रहे सचिन और वापस आए, डिफेंस पर ज़्यादा भरोसा है। 26-29 का स्कोर है, 3 पॉइंट आगे चलती हुई इस समय पटना पायरेट्स। और एक बार फिर असलम इनामदार आए हैं रेड करने के लिए, पर इन्हें पॉइंट लेने होंगे टीम के लिए अन्यथा। अब ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है इस मुकाबले का, अगर यहाँ पर पॉइंट स्कोर कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। असलम इनामदार, बोनस मिला है शायद इन्हें, क्या बोनस मिलेगा या नहीं, लेकिन जी हाँ बोनस मिला है। स्कोर हुआ है 28-27-29 और एक बार फिर से रोहित गुलिया आए हैं रेड करने के लिए, जबरदस्त टैकल यहाँ पर और 3 पॉइंट मिलेगा पुनेरी पल्टन को। 28-29 का स्कोर, रेडर को आउट करार दिया गया है। और अब आकाश शिंदे एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, तो अगर आप दूर से देखें आकाश शिंदे और असलम इनामदार को एक जैसे ही दिखेंगे दोनों। आकाश शिंदे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका अभी तक, और यहाँ पर क्या सचिन जाएंगे या फिर किसी और को भेजेंगे। 28-29 का स्कोर है इस समय, 29 ऑल बोनस मिला है और सचिन आए हैं रेड करने के लिए।
और आप देखना होगा कि सात इनामदार सचिन गए थे रेड करने के लिए, खाली हाथ वापस आए। यहाँ पर बोनस जरूर मिलेगा असलम इनामदार को अगर वो बोनस लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या बोनस लेते हैं या नहीं। बोनस भी ज़्यादा जोर है इनका, 29 ऑल का स्कोर है यहाँ पर। और वापस गए तो क्या बोनस मिलेगा या नहीं, वेट करना होगा। जी हाँ, बोनस मिला है और आगे बढ़ती हुई पुनेरी पल्टन। और अब एक बार फिर से यहाँ पर रेड करने के लिए आए हैं विश्वास को। विश्वास है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, लेकिन ओ पुनेरी पल्टन को यहाँ पर झटका लगा है। जी हाँ, देखना होगा कि कौन यहाँ पर आउट हुआ है। ओ ही क्रॉस द लाइन, सो बोथ टीम 30-30 का स्कोर। और एक बार फिर से यहाँ पर आकाश शिंदे आए हैं रेड करने के लिए, और जबरदस्त टैकल सी सजन के द्वारा जबरदस्त टैकल किया गया और एक पॉइंट मिलता हुआ 31-30 का स्कोर। जबरदस्त मैच होता हुआ यहाँ पर, टफ एक एक पॉइंट के लिए लोग लड़ते हुए जबरदस्त। और अब रेड होनी है, सचिन गए हैं रेड करने के लिए और चार खिलाड़ी बचे हैं पुनेरी पल्टन के। 31-30 एक पॉइंट से आगे निकली है अभी तक। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या कमाल कर पाती है। और सचिन 7 पॉइंट अभी तक लिए है सचिन ने। एक बार फिर से यहाँ रेड करने के लिए आए हैं आकाश शिंदे। क्या यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे? 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, 32-31 का स्कोर। असलम इनामदार आए थे, 2 पॉइंट लिए हैं इन्होंने, 32-31 का स्कोर। एक पॉइंट आगे निकलती है, जी हाँ आगे निकलती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एम्पायर के द्वारा, अभी पुनेरी पल्टन यहाँ पर लीड करती हुई। इकतीस बत्तीस का स्कोर। इकतीस बत्तीस तो एक पॉइंट से आगे चलती हुई यहाँ पर। अब देखना होगा कि क्या कमाल कर पाती है यहाँ पर ये टीम। दोनों ही टीमों के पास यहाँ पर मौका है जीतने का, और अंत में जो टीम अच्छा खेलेंगी, दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त होता हुआ एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर असलम इनामदार ने 7 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं और मोहित गोयल अभी 8 पर ही है।
सचिन भी 7 पर है और दूसरी तरफ रोहित कुलिया ने 6 पॉइंट स्कोर किए हैं और आकाश शिंदे यहाँ पर आप देखिए 6 पॉइंट स्कोर किए हैं इन्होंने। और कल भी 3 मुकाबले होने हैं कल के। और अब मोहित को आए हैं रेड करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेक्स्ट मुकाबला है तमिल थलाइवा और गुजरात जाइंट्स। इसमें देखेंगे पवन सहरावत एक्शन में और देखते हैं कि राम मेहर सिंह साहब इस बार क्या कमाल करते हैं। और विश्वास आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। विश्वास, क्या विश्वास यहां पर पॉइंट ले पाएंगे या नहीं? बोनस नहीं मिलेगा यहां पर क्योंकि 5 ही खिलाड़ी हैं। जी नहीं, वापस गए। 32-31 का स्कोर है अभी भी। और अब मोहित कोयत को भेजा गया है रेड करने के लिए। 8 पॉइंट है मोहित कोयत के। क्या सुपर 10 यहां पर लगा पाएंगे या नहीं? 7 पॉइंट रेड के हैं, 1 पॉइंट टैकल का है इनके पास। मोहित कोयत यहां पर वापस आए और डू एंड डाई रेड। अब पुनेरी पल्टन को यहां पर आउट करना होगा। सचिन है डू एंड डाई रेड में, तो यहां देखना होगा कि क्या इस टाइम सचिन को टैकल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। जी हाँ, यहां पर संकेत सावंत ने गलती की। संकेत सावंत को जाना होगा बाहर। टच आउट किया है इन्हें और पॉइंट मिलेगा पटना पायरेट्स को। 32-32। तो 32 ऑल, 32-32 का स्कोर हो चुका है यहाँ। और अब असलम इनामदार एक बार आए हैं फिर से रेड करने के लिए। देखना होगा क्या कमाल कर पाते हैं असलम इनामदार इस बार। और जबरदस्त टैकल यहाँ पर, बहुत ही शानदार टैकल। और ये पॉइंट एक बार फिर से पटना पायरेट्स लीड करती हुई। यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी इस समय पटना पायरेट्स के लिए, सॉरी पुनेरी पल्टन्स के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो मात्र 3 खिलाड़ी है। सुपर टैकल ऑन सचिन है यहाँ पर, सचिन सुपर टैकल में। यहाँ पर कोशिश होगी, मोहित गोयत है और क्या इनको टैकल कर पाते हैं सचिन को या नहीं? जी नहीं, अभी तक सचिन वापस जाएंगे। 32-33, 2 मिनट का मैच बचा है। और अब मोहित कोयत गए हैं रेड करने के लिए और वापस आए हैं। जी हाँ, इन्हें पता है कि करना क्या है। और अब रोहित कुली आए हैं रेड करने के लिए। क्या ये डू एंड डाई रेड होगी? जी नहीं। और क्या रोहित कुलिया को इस समय टैकल कर पाएंगे या नहीं? रोहित कुलिया राइट कॉर्नर की तरफ ज्यादा ध्यान रख रहे हैं यहाँ पर। जबरदस्त, और वापस गए बिना किसी पॉइंट्स के। जी हाँ, वापस गए रोहित कुलिया। 6 पॉइंट लिए है अभी तक मोहित कोयत। गए और वापस आए। सुपर टैकल ऑन सचिन आए हैं रेड करने के लिए। और देखना होगा कि क्या इसका फायदा उठा पाती है पुनेरी पल्टन या नहीं। और ये डू एंड डाई रेड है इस समय, सचिन डू एंड डाई रेड में। जबरदस्त जबरदस्त सुपर टैकल, पहला सुपर टैकल इस मैच का यहाँ पर देखने को मिला। और 2 पॉइंट मिलेंगे पुनेरी पल्टन को यहाँ पर। पहला सुपर टैकल, 34-33 का स्कोर, 34-33। तो ये बहुत ही जबरदस्त सुपर टैकल। सचिन ने ये सोचा नहीं होगा कि बादल पीछे से आएंगे और एकदम टैकल करेंगे। और मोहित कोयत गए हैं अब रेड करने के लिए। एक मौका है इनके पास यहाँ पर, बोनस ऑन है इनके लिए। और जबरदस्त टैकल यहाँ पर सी सचिन के द्वारा, बहुत ही शानदार। 34 ऑल, 34-34, 55 सेकेंड का ये मैच बचा है अब। और एक बार फिर से सुपर टैकल की बारी होगी यहां पर। युवराज ने टैकल किया था, बहुत ही शानदार युवराज सिंह। और अब देखना होगा कि कौन रेड के लिए आते हैं। टाइम आउट लिया है पटना पायरेट ने यहां।
दोनों ही टीमें हैं बराबरी पर। ये मैच यहाँ से किसी भी तरफ झुक सकता है। 34 all, दोनों ही टीमें 34-34 पर हैं। और कोच यहाँ पर यही कह रहे थे कि सुपर टैकल रहेगा इस बार, और रेड होनी है इस समय पटना पायरेट्स की ओर से। तो क्या एक और सुपर टैकल कर सकती है यहाँ पर पुनेरी पलटन, देखना होगा। और जहाँ तक बात करें पटना पायरेट्स की, तो पटना पायरेट्स के लिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि पूरी टीम इनकी यहाँ पर है अभी। और दोनों ही टीमें वापस आ चुकी है कोर्ट में अब। और रोहित गुलिया को भेजा गया है रेड करने के लिए। तो इस समय रोहित यहां पर सब्स्टिट्यूट किया गया है। जी हाँ, रोहित गुलिया रेड करने के लिए गए हैं। 6 पॉइंट है रोहित गुलिया के पास, और यहाँ पर सुपर टैकल से बचना होगा। और टाइम 10 सेकंड बचे हैं रोहित गुलिया के पास, देखना होगा कि ये 10 सेकंड में क्या कर पाते हैं। और वापस गए, और रोहित गुलिया गए हैं वापस, और ये होगी अंतिम रेड। तो क्या यहाँ पर ये मैच टाई की तरफ जाएगा? टाइम आउट लिया गया है पुनेरी पलटन ने, 34 all। तो क्या ये पहला टाई होगा यहाँ पर? और अब बचे हैं मात्र 24 सेकंड, और यहाँ पर एक मौका हो सकता है अगर पुनेरी पलटन अच्छे से रेड करती है, यहाँ पॉइंट यहाँ निकाल के लाती है, तो एक चांस रहेगा इनके पास जीतने के लिए। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर टैकल कर पाती है पटना पायरेट्स, तो पटना पायरेट्स डेफिनेटली ये मुकाबला जीतेगी। प्रेशर होगा इस समय पुनेरी पलटन पर क्योंकि उसके 3 ही खिलाड़ी है कोर्ट पर। और रेड होती हुई यहां पर पुनेरी पलटन की ओर से। देखना होगा क्या कमाल कर पाते हैं यहाँ पर। और ये मैच टाई होता हुआ, जी हाँ, मैच हो गया है टाई। जी हाँ, ये मैच हो चुका है टाई, 34-34। तो आदित्य शिंदे को सब्स्टिट्यूट किया था, वो आए थे फाइनल में रेड करने, और ये मैच टाई होता हुआ। तो पहला टाई हमें देखने को मिला है इस सीरीज का, चौथा मैच टाई हुआ है। और इसके बाद होगा जो मैच होना है इसके बाद, वो होना है गुजरात जाइंट और तमिल थलाइवा। और यहाँ पर एक्शन में दिखेंगे पवन सेहरावत। अभी आपको बताते हैं कि क्या कौन कौन टीम में रहेगा, ये आपको बताते हैं अभी। और ये है इनकी लाइनअप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गुजरात जाइंट्स की पहले बात करते हैं, राकेश, सौरभ गुलिया, अक्रम शेख, चंद्रन रंजीत कप्तान है इस समय, प्रतीक दहिया ऑलराउंडर आए हैं, शंकर गदई आए हैं, इनके बारे में काफ़ी सुना है, शंकर गदई के बारे में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, रिंकू नरवाल। और दूसरी तरफ अजिंक्य पवार, अभिषेक नदराजन और एम अभिषेक, मोहित, नरेंद्र, पवन सेहरावत कप्तान, सागर और बहुत ही शानदार डिफेंडर है, और साहिल गुलिया लेफ्ट कॉर्नर खेलेंगे, राइट कॉर्नर पे सागर हो गए, पवन सेहरावत रेडर हो गए। तो पिछली बार के सबसे महंगे खिलाड़ी अब आपको दिखेंगे यहाँ पर। पहला मैच टाई हुआ है और अब दूसरा मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। गुजरात जाइंट्स एंड तमिल थलाइवा,
तो ये है दूसरा मैच आज का। ये आप देख सकते हैं दोनों ही टीमें आपकी स्क्रीन पर।
और यहाँ पर मैच शुरू हो चुका है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पाएंगे मैच, पवन सहरावत यहाँ पर रेड करने के लिए आए। तो क्या आज 1000 रेड कंप्लीट कर पाएंगे, 1000 पॉइंट अपने कंप्लीट कर पाएंगे पवन सहरावत, ये देखना होगा। और राकेश आए हैं यहाँ पर रेड करने के लिए, हाईली स्किल्ड राकेश इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर 10 नंबर की टी शर्ट टेन के पास और आए हैं रेड करने के लिए, और अभी तक किसी भी टीम का खाता नहीं खुला है। और यहाँ पर जी नहीं, बोनस का प्रयास लेकिन नहीं दिया है बोनस। जी हाँ, बिन गया है बोनस। तो यहाँ पर खाता खुला है इस समय गुजरात जाइंट्स का 1-0, और नरेंद्र यहाँ पर रेड करने के लिए आए हैं और ये पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर, तो दोनों ही टीम का खाता खुल चुका है। तो यहाँ पर इनको मिलेगा बोनस प्लस पॉइंट। तमिल थलाई वा टू, और एक और पॉइंट मिलता हुआ तमिल थलाई वा को। और नरेंद्र जबरदस्ती, ओ जबरदस्ती यहाँ पर, और चंद्र रंजीत को टैकल किया बहुत ही जबरदस्त, चंद्र रंजीत को यहाँ पर टैकल किया था। और अजिंक्य पवार आए हैं, अब देखना होगा अजिंक्य पवार क्या कर पाते हैं। 5 खिलाड़ी है इस समय गुजरात जाइंट्स के। जी नहीं, अभी तक अजिंक्य पवार जाएंगे वापस, पॉइंट नहीं मिला है अभी तक। जी हाँ, राकेश एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, अभी तक मात्र एक पॉइंट इनको मिला है। 7 के 7 खिलाड़ी है इस समय तमिल थलाइवास के। और राकेश 10 नंबर की जर्सी पहने हुए, 1-3 का स्कोर है अभी भी, और रेड करते हुए क्या यहाँ पर पॉइंट मिलता है या नहीं, बोनस लिया होगा या नहीं। यहाँ पर गए हैं वापस, जी नहीं पॉइंट नहीं दिया है। और अब एक बार फिर तमिल थलाइवा रेड करने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी टीम लग रही है तमिल थलाइवा, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त दिख रहा है। तो रिंकू नरवाल गए हैं वापस, वन थ्री का स्कोर। और अब रेड होनी है, डू एंड डाई रेड में है इस समय अजिंक्य पवार, देखना होगा कि क्या कर पाएंगे। डू एंड डाई रेड, पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी, और अगर पॉइंट नहीं ले पाए तो करा दिए जाएंगे। और बहुत ही तेज तेज भाग रहे हैं, एग्रेशन काफी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक जी हाँ, और पॉइंट मिल चुका है, और इसी के साथ एक और पॉइंट होता हुआ 4-1-4-1। और यहाँ पर रिंकू जो कि राइट क्वार्टर पे थे, जाना होगा इनको बाहर। और एक बार फिर गुजरात जाइंट की भी होगी डू एंड डाई रेट। और यहाँ पर है राकेश, यहाँ पर क्या यहाँ पर इन है या आउट है अभिषेक क्या? जी हाँ, अभिषेक यहाँ पर आउट हुए और पॉइंट मिला गुजरात जाइंट्स को, 2-4 का स्कोर। और अब देखना होगा कि किस तरह से आगे का ये मैच चलता है। एक बार फिर अजिंक्य पवार आए हैं रेड करने के लिए, और अजिंक्य पवार 5 खिलाड़ी है मात्र इस समय गुजरात जाइंट्स के, बहुत ही तेज। और यहाँ पर एक और पॉइंट लेकर गए हैं, आउट, रेडर को आउट करार दिया गया, लाइन क्रॉस कर चुके थे, और पॉइंट मिलता हुआ
गुजरात को 3-4 का स्कोर। जी हाँ, बाहर से अंदर आए हैं, ये तो पॉइंट मिलेगा गुजरात जाइंट्स को। एक बार फिर यहाँ पर रेड करते हुए प्रतीक दहिया, नए खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है बहुत ही। प्रतीक दहिया वापस गए और अब रिंकू एक बार फिर से रेड करने के लिए आए। नरेंद्र, सॉरी नॉट रिंकू, नरेंद्र आए हैं रेड करने के लिए तमिल थलाइवा की ओर से। 3-4 का स्कोर है इस समय। क्या बोनस इन्हें मिला है या नहीं देखना होगा नरेंद्र को। जी नहीं, बोनस नहीं दिया है। और अब आए हैं राकेश रेड करने के लिए, बहुत अच्छे खिलाड़ी। अभी चंद्रन रंजीत बाहर गए हैं, इनको रिवाइव करना होगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पर एक अच्छी बात हो रही है, पवन सहरावत को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है और सोमन सहरावत अभी तक नहीं आए हैं रेड करने के लिए, ये काफ़ी अच्छा। और जैसे ही नाम लिया वैसे ही हाजिर। तो अब आए हैं पवन सहरावत, हाई फ्लायर। जी नहीं, अभी भी नहीं आए, नरेंद्र को ही भेजा है अभी भी फिर से एक बार रेड करने के लिए। तो यहाँ पर गलती की है मयूर कदम ने और अब जाना होगा बाहर उन्हें। नरेंद्र, तीसरा पॉइंट इन्होंने लिया है टीम के लिए। चंद्र रंजीत आए हैं अपडेट करने के लिए, काफी डू एंड डाई रेड है ये चंद्र रंजीत की। यहाँ पर पॉइंट लेना जरूरी, बोनस है और यहाँ पर टच किया है। यहाँ पर पवन सहरावत बाहर गए हैं क्या, ये देखो मोहित को यहाँ पर आउट किया है और अब स्कोर हुआ है 4-5। चंद्रन रंजीत एक बार फिर, नरेंद्र आए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा कि यहाँ पर प्रयास या आखिरी मोमेंट पर अपना फसला चेंज किया और गए हैं वापस। बोनस मिला है जरूर, 6-4 का स्कोर। चंद्रन रंजीत एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, एक पॉइंट इन्हें मिल चुका है ऑलरेडी। और देखना होगा कि क्या आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले पाएंगे या नहीं। सिर्फ मात्र 5 खिलाड़ी हैं यहाँ पर, बोनस नहीं मिलेगा। सागर है राइट कॉर्नर पे और सागर ने सफल प्रयास, एक और पॉइंट मिलता हुआ चंद्र रंजीत को। 5-6 का स्कोर, गुजरात 5 और तमिल थलाइवा 6। और क्या अब हमें पवन सेहरावत देखने को मिलेंगे या नहीं, ये देखना होगा। नरेंद्र एक बार फिर से इनको भेजा गया है रेड करने के लिए, 4 पॉइंट ले चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है ये। और वापस आए, क्या विजय दहिया को भेजा जाएगा एक बार फिर से। राम मेहर सिंह, प्रतीक दहिया, यहाँ पर राकेश, देखना होगा कि क्या राकेश है या फिर। जी हाँ, राकेश को भेजा गया। क्या यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हैं इन्हें या नहीं, ये देखना होगा। क्या 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर और 5-7 का 5-6 का 7-6 का स्कोर, 7 पॉइंट गुजरात जायंट्स और 6। और अब आए हैं हाई फ्लायर पवन सहरावत और की रेट करते हुए, देखना होगा कि क्या कर पाएंगे यहाँ। और काफी अच्छे इनके, लेकिन उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं पॉइंट लेने का, तो आराम से वापस आए और बोनस जरूर मिला है। तो इस बोनस के साथ ही 7 ऑल, सुपर टैकल ऑन। यहाँ पर पवन सहरावत और सुनील दो खिलाड़ी रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट 4 पॉइंट दोनों ही खिलाड़ी आउट। चंद्रन रंजीत की तारीफ करनी होगी, 2 पॉइंट भी लगे चंद्रन रंजीत को और यहाँ पर पवन को चोट लगी है शायद। जी हाँ, ये प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं तमिल थलाइवा के लिए, वहां पर नीस पे चोट लगी है पवन सहरावत के और अपना बैलेंस नहीं रख पाए। साहिब बोलिया पवन सहरावत, दो खिलाड़ी थे दोनों ही आउट होकर जाते हुए। चंद्रन रंजीत और 11-7 का स्कोर है इस समय, 11-7। तो यहाँ पर भारत
भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर यहाँ पर पवन सेहरावत को चोट लगी होगी। यहाँ देखना होगा, ये पवन सेहरावत यहाँ आए थे और इनका पैर यहाँ पर फ्लेक्स हो गया, ट्विस्ट हो गया और नी इंजरी हुई है। और मुझे लगता है कि शायद जिस तरह से बहुत कम आए हैं तो मेरे ख्याल से पहले से इंजरी हो सकती है इनको। और इलेवन सेवन का स्कोर, और अब देखना होगा कि क्या, और इनको बाहर ले जाया गया है पवन सेहरावत को स्ट्रक्चर पर। तो लगता है चोट काफी सीरियस है और पहले ही मैच में पवन सेहरावत जाएंगे बाहर, और ये कुछ अच्छी खबर नहीं है यहाँ पर तमिल थलाइवा के लिए। और ऑल आउट, पहले ही इसमें ऑल आउट हुई है 10 मिनट में पवन सेहरावत। ओ राजू, राजा गारू, हाय हाय राजा जी, कैसे हो? और पवन सेहरावत को स्ट्रक्चर पे बाहर ले जाया गया है। ये एक यहाँ पर राम मेहर सिंह, एडवांस मत मारना है आपको, राम मेहर सिंह लिख रहे हैं और नरेंद्र आए हैं रेड करने के लिए एक बार फिर से। तो बहुत ही प्रभावित किया है यहाँ पर इन्होंने, नरेंद्र ने 4 पॉइंट अभी तक ले चुके हैं। और एक बार फिर रेड करने के लिए आ गए हैं प्रतीक दहिया। क्या एडवांस टैकल किया है और पॉइंट मिलता हुआ यहां पर तमिल थलाइवा को। तो प्रतीक दहिया आउट जाते हुए 8-11 का स्कोर। और यहाँ पर बहुत ही नज़दीक खड़े थे लेकिन जबरदस्त तारीफ करनी होगी, बहुत ही शानदार टैकल अजिंक्य पवार आए हैं अब रेड करने के लिए। 8-11 का स्कोर है, 3 अंकों से आगे चलती हुई इस समय गुजरात जायंट्स। साहिल गुलिया ने जबरदस्त टैकल किया था यहाँ पर, बात करें प्रतीक दहिया का। और अब एक बार फिर से रेड के लिए आए हैं चंद्रमजीत, कप्तान है टीम के। तो और जबरदस्त टैकल एक बार फिर से, रोहित गुलिया एक बार फिर से जबरदस्त प्रयास, एक और पॉइंट मिलेगा यहां पर 9-11 कसका। हिमांशु और साहिल जबरदस्त, बहुत ही शानदार, साहिल गोलिया और हिमांशु ने मिलकर प्रयास किया। और अजिंक्य पवार एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा कि क्या कर पाएंगे अजिंक्य पवार। इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार होगा इस समय, डू और डाई रेड है ये। और टैकल कर लिया गया है, जबरदस्त टैकल यहां पर, एक पॉइंट मिलेगा गुजरात को, 12-9 का स्कोर। जबरदस्त टैकल, और यहां पर राम मेहर सिंह काफी गुस्से में। राकेश एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, बोनस ऑन है इनके लिए, 12-9 अभी भी 3 पॉइंट से आगे चलते हुए। और अब नरेंद्र आए हैं फिर से रेड करने के लिए,
9-12 का स्कोर, अभी तक काफी अच्छा खेली है गुजरात जाइंट्स। जबरदस्त टैकल यहां पर, जबरदस्त टैकल, और ये एक पॉइंट फिर से मिलता हुआ। 13-9 का स्कोर, नरेंद्र को इस बार आउट किया। रिंकू ने शानदार टैकल, बहुत ही शानदार, और एक बार फिर से राकेश रेड करने के लिए आए हैं। और 5 खिलाड़ी है तमिल थलाइवा के और 7 के साथ खिलाड़ी है गुजरात जाइंट। रिंकू नरवाल ने काफी अच्छा टैकल किया था पीछे, तो यहां देखना होगा कि राकेश क्या कमाल कर पाते। अभी तक 4 पॉइंट ले पाए हैं यहां पर, लेकिन वापस आए, कोई पॉइंट नहीं। स्कोर अभी भी 13-9 का, और रेड होनी है तमिल थलाइवा की ओर से, और देखना होगा कि किसे भेजा गया है। हिमांशु आए हैं रेड करने के लिए इस बार, और 2 पॉइंट जरूर मिलेंगे यहाँ पर। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में कमी दिखी और 2 पॉइंट जरूर मिलेंगे इन 2 पॉइंट के साथ। 11-13 का स्कोर, क्या बोनस भी है इसमें या नहीं, देखना होगा। क्या ये एडवांस टैकल करने की कोशिश, यही राम मेहर सिंह कह रहे थे कि आप एडवांस टैकल मत कीजिए। हिमांशु को ये 2 पॉइंट मिले हैं, तो स्कोर 11-13 का, और डू एंड डाई रेड है इस समय राकेश, डू एंड डाई रेड में। अभी तक आउट नहीं हुए राकेश जी, नहीं अभी तक। डू एंड डाई रेड, मात्र 8 सेकंड बचे हैं इस मुकाबले के, और सागर ने वही गलती करी, और पॉइंट मिलेगा यहां पर राकेश को। क्या बोनस है या नहीं है ये देखना होगा। सागर राठी ने गलती की, और आज पूरी टीम इन्हीं पर डिपेंड है, अभी सागर राठी पर, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना होगा, वरना ये मैच हाथ से निकल जाएगा यहाँ पर। ओ, पहली बार हम देख रहे हैं मनप्रीत सिंह को, कोच हरियाणा स्टीलर्स के, बैठे हैं यहाँ पर, अगला मैच है इनका। जी हाँ, बोनस पॉइंट दिया गया है, 15-11 का स्कोर, और अब तमिल थलाइवा की ओर से रेड होनी है। तमिल थलाइवा के रेट, और यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि टच आउट हुआ है, लेकिन नहीं। नरेंद्र एक बार फिर से, और यहाँ पर प्रयास किया इनको टैकल करने का, लेकिन और पॉइंट मिला 12-15। चंद्र रंजीत आए हैं अब रेट करने के लिए। आपको याद होगा पहली पिछली बार चंद्र रंजीत और पवन सेरावत एक ही टीम में थी, और इस बार दोनों ही राइवल है, दोनों ही अलग अलग टीम में है। तो 7 के 7 खिलाड़ी है इस समय कोर्ट पर तमिल थलाइवा के, और चंद्र रंजीत वापस आते हुए वापस आए हैं, और यहां पर हिमांशु को भेजा जा रहा है रेड करने के लिए। हिमांशु आए हैं रेड करने के लिए अब। हिमांशु काफी अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त। और यहां पर क्या एक पॉइंट है या 2 पॉइंट है, ये देखना होगा। एक ही पॉइंट मिलेगा यहां पर, और राकेश के हो गए 7 पॉइंट अब। एक बार फिर से नरेंद्र आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा नरेंद्र इस बार क्या कमाल करते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। और चंद्र रंजीत एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं। चंद्र रंजीत यहां पर बोनस ऑन है इनके लिए, 6 खिलाड़ी है तमिल थलाइवा के अंदर, और जबरदस्त टैकल सागर के द्वारा, सागर ने जबरदस्त टैकल किया है। क्या बोनस इन्हें मिलेगा या नहीं, ये देखना होगा। जी हाँ, बोनस मिला है
17-14 का स्कोर, 17-14। और अब एक बार फिर से यहाँ पर रेड के लिए आए हैं हिमांशु, और यहाँ पर नाकामयाब प्रयास, सौरभ गुलिया का नाकामयाब प्रयास, और जाना होगा बाहर इन्हें। सौरभ गुलिया को एक पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर, तमिल थलाइवा को 14-17 का स्कोर, और रेड होनी है अब। राकेश एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए, 15-17 का स्कोर है। राकेश बोनस ऑन इनके लिए, तो यहाँ से लग रहा है कि बोनस जरूर लिया है इन्हें इन्होंने। देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है, एम्पायर बोनस देते हैं या नहीं। अभी तक काफ़ी अच्छा मैच चलता हुआ, जी हाँ बोनस मिला है। तो 18-15 का हिमांशु एक बार फिर से रेड, नरेंद्र आए हैं रेड करने के लिए, तो देखना होगा कि नरेंद्र क्या कमाल कर पाते हैं। मात्र 4 खिलाड़ी है इस समय गुजरात जाइंट्स के, जी नहीं वापस आना होगा। तो नरेंद्र 6 पॉइंट लिए है, यंग खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी, और राकेश एक बार फिर रेड करने के लिए आते हुए, देखना होगा राकेश क्या कमाल करते हैं आज। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इनसे टीम को, अभी तक 8 पॉइंट ले चुके हैं। और जबरदस्त टैकल यहां पर सौरभ गुलिया के द्वारा, शानदार टैकल, बहुत ही शानदार टैकल। और अभिषेक, सॉरी एम अभिषेक ने यहां पर ये टैकल किया, बहुत ही शानदार, तारीफ करनी होगी इनकी, बहुत ही एडवांस टैकल था ये, लेकिन जबरदस्त ग्रिप, बहुत ही शानदार, और सुपर टैकल ऑन, अजिंक्य पवार है सुपर टैकल में। अब 3 खिलाड़ी है मात्र यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लास्ट रेड होगी फर्स्ट हाफ की, जी हाँ लास्ट रेड। तो 2 पॉइंट से आगे चलती हुई इस समय गुजरात जायंट्स, और हाफ टाइम का संकेत यहाँ पर। दो ही पॉइंट से आगे चलती हुई इस समय गुजरात जायंट, और अब आपको दिखाते हैं इसका एनालिसिस, किस तरह से पॉइंट मिले हैं दोनों ही टीमों को, कितने पॉइंट स्कोर किए हैं और हर एक खिलाड़ी ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब ही आप देखिए यहाँ पर राकेश ने 8 पॉइंट स्कोर किए हैं, रोहित गुलिया, राकेश का पहले देख लेते हैं, टोटल रेट्स इन्होंने की है 11, 6 सक्सेसफुल रेट रही है इनकी, और एक अनसक्सेसफुल, और 4 एम्प्टी रेट है। और दूसरी तरफ गौरव सौरभ गुलिया, तो यहाँ पर एक भी पॉइंट इन्होंने स्कोर नहीं किया है। अक्रम शेख ऑलराउंडर है, एक पॉइंट इन्होंने लिया है। चंद्रन रंजीत ने 5 पॉइंट स्कोर किया है, तो आप यहाँ पर देखिए टोटल 8 रेट की है, 3 सक्सेसफुल रेट रही है, 3 अनसक्सेसफुल और 2 एम्प्टी रेट इन्होंने की है। और अगर बात किया जाए प्रतीक दहिया को, अभी तक पॉइंट नहीं मिला है। शंकर गदई, तो इन्हें भी एक पॉइंट मिला है, और रिंकू नरवाल ने एक पॉइंट स्कोर किया है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पर, अजिंक्य पवार ने एक पॉइंट स्कोर किया है, एम अभिषेक ने एक पॉइंट मिला है, मोहित को एक पॉइंट मिला है, नरेंद्र ये है अभी के हीरो, तो आप देखिए इन्होंने टोटल 11 रेट की है, इसमें 5 सक्सेसफुल है और 1 अनसक्सेसफुल और 5 एम्प्टी रेट, और एक बार टैकल करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं रहे टैकल करने में। और बाकी साहिल गुलिया अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये डिफेंडर है लेफ्ट कॉर्नर पे, टोटल 4 बार प्रयास किया इन्होंने टैकल करने का, 3 बार सक्सेसफुल रहे हैं और 1 बार अनसक्सेसफुल। और अब देखते हैं टीम स्टेट्स, तो ये आप देखिए टीम स्टेट्स, 18 पॉइंट है गुजरात जायंट्स की और 16 पॉइंट है तमिल थलाइवा के। तो गुजरात जायंट की अगर बात करें तो 13 रेड पॉइंट्स मिले हैं इनको, और टैकल पॉइंट मिले हैं 3, और ऑल आउट के पॉइंट मिले हैं 2, और एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं मिला है दोनों ही टीमों को। तमिल थलाइवा 16 पॉइंट है इनके, 11 रेड पॉइंट है, तो 2 रेड पॉइंट ज़्यादा है गुजरात जायंट्स के, और टैकल पॉइंट में 2 ज़्यादा टैकल पॉइंट है तमिल थलाइवा के। और ऑल आउट पॉइंट, क्योंकि गुजरात जायंट को ऑल आउट नहीं किया है तमिल थलाइवा ने, तो अब आ जाते हैं नीचे सक्सेस रेट देखते हैं।
तो अगर बात करें दोनों ही टीमों ने 22 22 रेड की है, गुजरात जायंट्स की बात करें तो 22 रेड इन्होंने की है, 9 सक्सेसफुल रेड रही है और सुपर रेड अभी तक नहीं हुई है। रेड सक्सेसफुल रेट है 40% का और 59% का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही ज़बरदस्त। और दूसरी तरफ बात करें तमिल थलाइवा, इन्होंने भी 22 रेड की है, 9 सक्सेसफुल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर है दोनों ही टीमें, लेकिन अगर रेट सक्सेस रेट यहाँ भी 40.9% और स्ट्राइक रेट यहाँ पर 50% के करीब, तो स्ट्राइक रेट गुजरात का बहुत ही अच्छा है। और अब बात करते हैं टैकल पॉइंट की, तो 10 बार टैकल किया है गुजरात जाइंट ने, जिसमें से 3 बार सक्सेसफुल रहे और सक्सेस रेट है इनका 30%। और तमिल थलाइवा ने 14 बार प्रयास किया है, 5 बार सक्सेसफुल रहे और 35% सक्सेस रेट है। तो ये रहा है फर्स्ट हाफ का आपके सामने, तो ये है इंडिविजुअल स्कोर। तो अब आप लोग क्या कहेंगे, किस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, बहुत ही शानदार मुकाबला। और थोड़ी ही देर में ये मुकाबला फिर से शुरू होगा, तब तक फिर से शुरू होने वाला है मुकाबला, दोनों ही टीमें आ चुकी है कोर्ट पर। 18-16 का स्कोर, 2 पॉइंट से गुजरात जाइंट आगे चलती हुई, बहुत ही शानदार। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर राम मेहर सिंह की टीम जबरदस्त कमाल करती हुई इस समय। और आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सी टीम आज बाजी मारती है, कौन सी टीम जीतेगी, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताएं अपने कॉमेंट सेक्शन में, हमें बताएं कि आपकी नज़र में कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी ये मुकाबला और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात यहाँ पर अभी है लीड, 2 पॉइंट की लीड के साथ आगे चलती हुई। तो पवन सेहरावत आज के मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे और चोट लगी है उनको, अभी पूरी जानकारी थोड़ी देर में हम को मिलेगी, क्या वो नेक्स्ट मैच के लिए फिट रहते हैं या नहीं। और एक बार फिर से मैच शुरू होता हुआ और रेड होनी है तमिल थलाइवा की ओर से। जी हाँ, यहाँ पर रेड शुरू हो चुकी है तमिल थलाइवा की ओर से और देखना होगा कि अब क्या कमाल करती है तमिल थलाइवा यहाँ पर। यहाँ पर गुजरात जाइंट पर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, अठारह सोलह का स्कोर है इस समय, 17 एक पॉइंट और मिला है यहाँ पर। और अब रेड होनी है यहाँ पर, अकरम शेख आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा कि अकरम शेख क्या कमाल कर पाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जबरदस्त टैकल और इनको थ्रो किया है बाहर के लिए, पुश किया बाहर के लिए
पॉइंट मिलेगा यहाँ पर जबरदस्त, 18-18, 18 all, दोनों ही टीमें पहुंच चुकी है 18-18 पर। और यहाँ पर गुजरात ऑल आउट जाती हुई, 3 पॉइंट मिलने हैं यहाँ पर ऑल आउट के, और 21-18, 21-18 जबरदस्त, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। वेंकटेश प्रसाद भी आए हैं कबड्डी देखने के लिए, हम देख पा रहे हैं उनको स्क्रीन पर, वेंकटेश प्रसाद को, और ऑल आउट हुई है 18-21 का स्कोर है इस समय। और अब और रोहित कुमार की एंट्री हुई है गुजरात जाइंट में, एक और लेजेंड यहां पर आज देखने को मिले हैं। और प्रदीप यहां पर, राकेश कुमार सॉरी नॉट प्रदीप, राकेश कुमार यहां पर रेट करते हुए, देखना होगा कि राकेश क्या यहां पॉइंट ले पाएंगे टीम के लिए या नहीं। बोनस ऑन है इनके लिए, और 10 नंबर की टी शर्ट इनके पास, गए हैं वापस लेकिन बोनस नहीं मिला है अभी तक। 18 और अजिंक्य पवार आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा अजिंक्य पवार क्या कमाल करते हैं आज। अजिंक्य पवार अपना वापस जाते हुए, अजिंक्य पवार और यहां पर रेड करने के लिए आए हैं टॉन्जन ली आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा कि रोहित आए हैं चंद्रन रंजीत की जगह में। और टॉन्जन ली आए हैं इस समय, और अब रेड होनी है यहां पर नरेंद्र रेड करते हुए तमिल थलाइवा की ओर से। 18-21 का स्कोर है अभी भी, और 7-7 खिलाड़ी है दोनों ही टीमों के, पूरी टीम अंदर है दोनों ही। और यहां पर बोनस लेने का प्रयास, क्या मिला है या नहीं ये देखना होगा। जी हाँ बोनस मिला है, और अब 22-18 राकेश डू एंड आई रेड में है इस समय राकेश। यहां पर राकेश को पॉइंट मिलना चाहिए, जी हाँ साहिल गुलिया ने गलती करी, और क्या बोनस में मिलेगा या नहीं, नहीं बोनस नहीं है, एक ही पॉइंट है 19-22 का स्कोर। और यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बलदेव सिंह आए हैं शंकर गदई की जगह में, एक बार फिर से नरेंद्र यहां पर रेड करते हुए, होगा कि नरेंद्र क्या कमाल कर पाते हैं अभी तक, काफी अच्छे 8 पॉइंट ले चुके हैं, क्या सुपर 10 लगा पाएंगे आज या नहीं ये देखना होगा। अभी भी 15 मिनट की गेम ये बची है, और अच्छी रेड, 1 पॉइंट जरूर मिलेगा यहाँ पर इन्हें, जी हाँ 19-22 का स्कोर है इस समय। और एक बार फिर से राकेश आए हैं रेड करने के लिए, 2 पॉइंट ले चुके हैं राकेश, क्या एक और पॉइंट अपनी सुपर 10 कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। बोनस ऑन था इनके लिए, क्या बोनस लिया है या नहीं, लेकिन नहीं। और अजिंक्य पवार को अब भेजा गया है रेड करने के लिए, देखना होगा अजिंक्य पवार क्या कमाल कर पाते हैं। बहुत ही आगे खड़ी हुई है इस समय गुजरात जायंट्स, एडवांस टैकल नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी जगह है पीछे अगर आप देखें, लेकिन अभी तक यहाँ पर देखना होगा कि क्या रोहित कुमार आते हैं रेड करने के लिए या फिर डेंजन ली को भेजा गया है रेड करने के लिए। और देखना होगा डेंजन ली क्या कमाल करते हैं इस बार, और डेंजन ली इस समय क्या यहाँ पर पॉइंट मिलता है या नहीं, एक या दो या रेडर आउट देखना होगा। और 1 पॉइंट मिलेगा यहां पर कैंटियन ली,
जी हाँ, जबरदस्त रेट, 1.23 19 का स्कोर है इस समय, सॉरी 20 22 का स्कोर, और अब डू एंड डाई रेड में है इस समय नरेंद्र, और जबरदस्त टैकर यहाँ पर, और पॉइंट मिलेगा गुजरात जायंट्स को, 23 20 यहाँ पर। जी नहीं, वेंकटेश प्रसाद भी बैठे हैं यहाँ पर क्रिकेट के स्टार, और दोनों ही अंपायर आपस में बात करते हुए, और रिव्यू लिया गया है यहाँ। और रिव्यू लिया है यहाँ पर, रेडर आउट और डिफेंडर आउट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या डिफेंडर भी आउट है। रिव्यू लिया है तमिल थलाइवा ने, देखते हैं कि ये रिव्यू क्या सक्सेसफुल रहता है या नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडर को आउट दिया गया है क्या, देखना होगा यहाँ पर। यहाँ पर प्रतीक दहिया, लेकिन पैर अंदर ही है इनके, देखना होगा कि क्या दूसरे एंगल से देखना, क्या ये हवा में है क्या। बहुत ही क्लोज मामला है ये, पर अभी वेट करना होगा एम्पायर के। तो यहां पर दूसरे एंगल से देखा जा रहा है, अब इनका एक पैर बाहर है लाइन के और एक पैर हवा में है, तो यहां पर इसका पता लगा रहे हैं। इंतजार करना होगा अब यहां पर क्या। दूसरा पैर देखना होगा, क्या दूसरा पैर हवा में है इनका या नहीं। अगर दूसरा पैर हवा में होता है तो ये आउट करार दिए जाएंगे। तो क्या फैसला निकल गया था ये देखना होगा। रिव्यू सक्सेसफुल, 1 पॉइंट ईच, 1 पॉइंट रेडर आउट और डिफेंडर आउट, तो एक एक पॉइंट दोनों को मिला है। तो यहां पर 21-24 का स्कोर हो चुका है। तो अब देखना होगा यहां पर कि क्या, अभी भी 13 मिनट का खेल बाकी है। राकेश यहां पर वेट करते हुए, अगर राकेश क्या कमाल कर पाते हैं आज, तो 21-24 का स्कोर है यहां पर, और राकेश रेड करते हुए। और हिमांशु आए हैं रेड करने के लिए, अब देखना होगा हिमांशु क्या कमाल करते हैं अभी। इक्कीस चौबीस का स्कोर हिमांशु के लिए, बोनस ऑन है, तो क्या बोनस ले पाते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक नेम नहीं मिला है बोनस, और वापस गए हिमांशु और डेंग जॉनली एक बार फिर से रेड करने के लिए गए हैं।
रोहित कुमार के रूप में एक अच्छा कैप्टन है इनके पास, और अब देखना होगा कि किस तरह से गुजरात जायंट यहाँ पर खेलती है। 3 पॉइंट से पीछे चलती हुई अभी, तो यहाँ पर बोनस जरूर मिला होगा। जी नहीं, 21-24 का स्कोर, और रेड के लिए एक बार फिर से हिमांशु आए हैं। यहाँ पर अभी भी 11 मिनट 40 सेकेंड है, तो ज़्यादा फासला नहीं है दोनों ही टीमों के बीच, दो। और अब बारी है रेड की यहाँ पर, और रेड करेंगे राकेश, और यहाँ पर प्रदीप को बुलाया गया है, रिप्लेस किया गया है लास्ट में। डेंग जॉन ली को बाहर भेजा गया है और प्रदीप को लाया है, और ये है डू एंड डाई रेड। तो प्रदीप कुमार को यहाँ पॉइंट लेना है जरूरी, और जबरदस्त टैकल यहाँ पर साहिल गुलिया के द्वारा, शानदार टैकल, और पॉइंट मिलेगा तमिल तलाइबा को। 25-21 का स्कोर, क्या बोनस मिला है या नहीं ये देखना होगा। जी नहीं, 25-21 का स्कोर, यहाँ पर साहिल ने जबरदस्त टैकल किया, थाई बॉन्ड टच किया जबरदस्त, 25-21, और यहाँ पर हिमांशु डू एंड डाई में, देखना होगा कि डू एंड डाई रोड में क्या कर पाएंगे यहाँ पर हिमांशु। पॉइंट लेना जरूरी, अन्यथा आप करार दिए जाएंगे आउट, कोई भी नहीं चाहेंगे यहाँ पर कि आउट हो, और आउट यहाँ पर बाहर धकेल दिया है, और इसी के साथ आउट रेडर को दिया गया है। 1 पॉइंट मिलेगा गुजरात जायंट को, 22-25 का स्कोर, और देखना होगा कि यहाँ पर रोहित राकेश को बता रहे हैं कि आपने किस तरह से रेड करनी है, और राकेश एक बार फिर से आएंगे रेड करने के लिए। जी हाँ, राकेश आए हैं, 5 खिलाड़ी है तो बोनस नहीं मिलेगा, और अब देखना होगा कि राकेश क्या सुपर 10 लगा पाते हैं। 1 पॉइंट चाहिए इनको अपनी सुपर 10 के लिए। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि गुजरात जायंट्स लीड कर रही थी, और दूसरे हाफ में हम देख पा रहे हैं अब तमिल थलाइवा लीड करती है, और वो भी विदाउट पवन से रावत, और अब अजिंक्य पवार आए हैं रेड करने के लिए। तो ये आखिरी रेड होगी सेकेंड हाफ के फर्स्ट हाफ की, तो यहाँ पर ये दूसरा हाफ चलता हुआ, पहले 10 मिनट की आखिरी रेड होगी, उसके बाद के 10 मिनट फिर से, इसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा। और अजिंक्य पवार अभी तक मात्र 1 पॉइंट इन्होंने लिया है, जी हाँ, और वापस गए हैं। तो यहाँ पर अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की विसल एम्पायर के द्वारा, तो ये चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 3 अंकों से आगे हैं, और अभी 9 मिनट 18 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के। देखना होगा कि क्या गुजरात जायंट वापसी कर पाती है या नहीं, और यहाँ पर पवन सहरावत की अगर बात करें तो चोटिल होने के बाद आज नहीं खेल पा रहे हैं, ये देखना होगा कि क्या वो अगले मैच में खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है वो। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ पर हुआ है अभी, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद बहुत ही क्रूशल रहेगा ये मैच। तो आप लोग क्या सोचते हो, कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है? यहाँ पर देखना होगा किस तरह से आगे का मुकाबला चलता है। बाईस 25 का स्कोर है इस समय, 3 अंकों का फासला है, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चलता हुआ, 12 सेकंड अभी भी बचे हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के। तो यहाँ पर देखना होगा कि
कौन सी टीम बाजी मारती है? दोनों ही कोच कुछ कह रहे हैं अपनी टीमों को। पवन सेहरावत आज नहीं खेल पा रहे हैं, चोट की वजह से वो बाहर गए हैं। और अब एक बार फिर से अगली जो मैच होने वाला है वो है हरियाणा स्टीलर्स और बंगाल वॉरियर्स। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये मैच शुरू होने वाला है। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, 9 मिनट 18 सेकेंड, और रेड करने के लिए आते हुए राकेश। तो क्या यहाँ पर राकेश अपना सुपर रन लगा पाएंगे आज या नहीं? 5 खिलाड़ी है इस समय तमिल थलाइवा के, और राकेश रेड के लिए गए हैं। 9 पॉइंट इनके हैं अभी तक, और क्या ये पॉइंट मिला है या नहीं? रोहित नहीं, जी नहीं। अजिंक्य पवार एक बार फिर से रेड करते हुए तमिल थलाइवा की ओर से, और देखना होगा कि भी नहीं, प्रयास नहीं कर रहे पॉइंट लेने का। वापस के डिफेंस पे ज्यादा भरोसा है, और एक बार फिर यहाँ पर रेड करने का, और ये है डू एंड डाई रेड। प्रतीक डू एंड डाई रेड, और यहां पर बहुत ही गलत प्रयास, और ये पॉइंट मिलेगा गुजरात जाइंट्स को। 23-25 का स्कोर। साहिल गुलिया ने वो गलती की, और ये पॉइंट मिलता हुआ। इस तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है लास्ट में। और अजिंक्य पवार एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं, और डू एंड डाई रेड है, और यहां पर पॉइंट जरूर लिया है। यहां पर एक और पॉइंट लिया है तमिल थलाइवा ने, जिनके पापा ने डू एंड डाई रेड थी। और अब आए हैं राकेश। तो 5 खिलाड़ी हैं यहां पर अभी भी अंदर, और यहां पर आउट, जबरदस्त टैकल, और पुश किया इन्हें बाहर की तरफ, और जाना होगा बाहर। रेडर आउट, 1 पॉइंट मिलेगा तमिल थलाइवा को। 27-23 का स्कोर। 4 पॉइंट से आगे निकलती हुई अब तमिल थलाइवा, और यहां पर अब देखना होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी यहां पर अपनाती है। अब एक बार फिर से यहां पर रेड करने के लिए नरेंद्र, आज काफी अच्छा खेले हैं ये, जिस तरह से नए खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही बेफिक्र के साथ खेले हैं। और अभी भी 7 मिनट का ये मुकाबला बचा है। नरेंद्र वापस जाते हुए, और अब गुजरात जायंट्स की ओर से रेड, देखना होगा कि कौन आता है रेड करने के लिए। और यहां पर 1 पॉइंट मिलेगा या दो? 2 पॉइंट मिले हैं, जबरदस्त रेड, बहुत ही शानदार। प्रतीक ने शानदार डुबकी लगाई यहां पर, और अभिषेक और साहिल को जाना होगा। 2 पॉइंट आ चुके हैं यहां पर, 25-27। नरेंद्र एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए तमिल तलाइबा की ओर से। 9 पॉइंट है इनके भी, सुपर 10 लगने वाली है। तो क्या देखना होगा, और फिर से वही गलती की है। 1 पॉइंट मिलेगा नरेंद्र को, और सुपर 10 पूरे हुए। यहां पर रिंकू ने गलती की, और रिंकू को जाना होगा बाहर। और पहला सुपर 10 यहां पर आज के दोनों मुकाबले में, अभी तक पहला सुपर 10 नरेंद्र का देखने को मिला है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार नए खिलाड़ी है, पहले ही मैच में सुपर 10 लगाया है। और एक बार फिर से यहाँ पर रेड के लिए आए हैं राकेश ना होगा। राकेश क्या कमाल करते हैं यहाँ पर, 5 खिलाड़ी है, 25-28, 3 पॉइंट से आगे हैं तमिल थलाइवा। अभी भी 5 मिनट 45 सेकंड का ये मुकाबला बचा है, तो ज़्यादा गैप नहीं है 3 पॉइंट का। यहाँ पर यही कोशिश करनी होगी गुजरात जैंट को, अगर ये मुकाबला जीतना है तो ज़्यादा पॉइंट ना दें। और अब रेट के लिए आए हैं तमिल थलाइवा से, क्या देखना होगा कि किसे भेजा जाता है तमिल थलाइवा के, या हिमांशु को रेड करने के लिए भेजा जाएगा या फिर किसी और को, ये देखना होगा हमें। और संदीप कंडोला को लाया गया है प्रदीप कुमार की जगह में, और अजिंक्य पवार एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं। देखना होगा यहाँ पर, लेकिन नहीं, अभी तक पॉइंट नहीं मिला है। क्या यहाँ पर टच किया है? जी हाँ, और 1 पॉइंट जरूर मिलेगा।
जबरदस्त। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता हुआ, तो अब 4 पॉइंट की लीड हो चुकी है तमिल थलाइवा की, और अगले 5 मिनट की यह प्रतियोगिता बची है। अभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, तो क्या यहाँ पर देखना होगा कि ये जो लीड है कितनी जल्दी इसको भुना पाएगी। 25-29 का स्कोर, 25-29। तो यहाँ पर अगर हम देखें लाइनअप, तो ये आप देखिए यहाँ पर जो स्कोर है, राकेश के 9 और पहले खिलाड़ी बने हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें सुपर 10 लगाने वाले नरेंद्र, आज के मैच के चंद्रन रंजीत ने 5 पॉइंट लिए हैं। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें, कोई भी खिलाड़ी उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है, राकेश और चंद्रन रंजीत दोनों ही बहुत अच्छी तरह से खेले। अक्रम शेख ने 2 पॉइंट लिए हैं। दूसरी तरफ अजिंक्य पवार ने 2 पॉइंट लिए हैं, अभिषेक ने 3 पॉइंट लिए, मोहित ने 1 पॉइंट लिए है, नरेंद्र ने 10 पॉइंट लिए हैं और पवन सेहरावत ने 1 पॉइंट लिया है। उसके बाद पवन सेहरावत गए, सागर को पॉइंट नहीं मिला आज, और साहिल गुलिया ने 4 पॉइंट लिए है। इनका भी तो यहाँ पर साहिल गुलिया के पास मौका है 5 पॉइंट स्कोर करने का। ट्वेंटी फाइव 29 सेकेंड हाफ चलता हुआ और अंतिम 5 मिनट बचे हैं इस मुकाबले के, तो इन 5 मिनटों में ये डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। और यहाँ पर पलड़ा भारी है तमिल थलाइवा का, 4 पॉइंट से आगे चलती हुई। और अगर हम बात करें, तमिल थलाइवा अभी तक भारी पड़ रही है गुजरात जाइंट्स पर। और अगला मैच जो होना है वो है हरियाणा स्टीलर्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच में, दोनों ही जबरदस्ती में। मनिंदर सिंह को हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में एक्शन में। और अब एक बार फिर से रेड हो दिए हैं यहाँ पर, राकेश गए हैं रेड करने के लिए एक बार फिर से। तो क्या इन्हें बोनस मिला है या नहीं, 6 खिलाड़ी है तो बोनस मिल सकता है यहाँ पर, अगर कोशिश करेंगे बोनस लेने की। एक पॉइंट पीछे है सुपर 10 के, तो अभी तक ये तीसरे खिलाड़ी हो गए अगर इनका सुपर 10 लगता है, लेकिन नहीं दिया गया है। एक बार फिर से टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है, गुजरात जायंट्स ने टाइम आउट लिया है। राम मेहर सिंह यहाँ पर कुछ टिप्स देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है और गुजरात जायंट हैव टेकन द रिव्यू, गुजरात टाइम ने रिव्यू लिया है बोनस के लिए। तो क्या यहाँ पर ये बोनस मिलेगा या नहीं, देखना होगा। अगर यहाँ पर बोनस मिलता है तो 1 पॉइंट का फर्क जरूर पड़ेगा और 3 अंकों की लीड रह जाएगी, और इनका सुपर 10 भी पूरा हो जाएगा राकेश का। तो यहाँ पर देखना होगा एम्पायर का क्या कहना है। नहीं है जी, नहीं, पिछला पैर लाइन से पीछे है लेकिन आगे वाला पैर जो है जमीन पर है। जब भी आप बोनस लेते हो तो एक पैर पीछे चाहिए, एक पैर लाइन से पीछे और एक पैर हवा में होना चाहिए, तो ही आपका बोनस माना जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा लग नहीं रहा है। तो रिव्यू अनसक्सेसफुल रहेगा यहां पर 25-29 का स्कोर। तो ऑफिशियल सिग्नल अनसक्सेसफुल, ओके, रिव्यू खत्म हो चुके हैं गुजरात जायंट्स के, और अब तमिल थलाइवा की ओर से रेड होनी है। तो देखना होगा किसकी ओर से किसको भेजा जाता है रेड करने के लिए, क्या हिमांशु या नरेंद्र, इन दोनों में से किसी एक को भेजा जाएगा। नरेंद्र आए हैं रेड करने के लिए। यहाँ पर जबरदस्त, बहुत ही शानदार संदीप सौरभ गुलिया ने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर, युवा खिलाड़ी और जबरदस्त टैकल, बहुत ही एडवांस टैकल है ये, लेकिन जबरदस्त सक्सेसफुल टैकल,
26 29 और डू एंड डाई रेड में यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर पॉइंट मिलता हुआ जी हाँ अजिंक्य पवार जाते हुए, क्या दो है या जी हाँ एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर रिव्यू अनसक्सेसफुल, ऑलरेडी पहले रिव्यू नहीं है अब गुजरात जायंट्स के पास यहाँ पर रिव्यू करने के, लेकिन एक ही पॉइंट है। और यहाँ पर दो पॉइंट की डिमांड थी लेकिन एक ही पॉइंट, प्रतीक दहिया ने कहा है एक ही पॉइंट है दो नहीं है। तो 27-29 2 मिनट बचे हैं इस मुकाबले के, अब 2 मिनट 54 सेकेंड। यहाँ पर ग्रीन कार्ड राम मेहर सिंह को दिया गया है। हिमांशु एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या हिमांशु क्लेम कर रहे हैं एक पॉइंट का, क्या वो मिलता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर रिव्यू 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 जी हाँ एम्पायर ने नहीं दिया है ये, और रिव्यू लिया है तमिल थलाई वक्त के पास एक रिव्यू है। तो यहाँ पर दोनों ही एम्पायर आपस में बात करते हुए, तो क्या यहाँ पर पॉइंट मिलेगा या नहीं। 27-29 का स्कोर है और देखते हैं इस रिव्यू का क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो पॉइंट उन्हें मिल चुका है 30-27, और एक बार फिर यहां पर रेड के लिए आए हैं राकेश। और यहां पर आउट जी हाँ, क्या सागर को आउट किया है या राकेश का, यहाँ पर लग चुका है सुपर 10। और दूसरे तीसरे खिलाड़ी है अभी तक के सुपर 10 लगाने वाले। जबरदस्त मुकाबला और एक बार फिर से यहाँ पर रेड नारायण हिमांशु रेड करते हुए एक बार फिर से देखना होगा कि हिमांशु क्या कमाल कर पाते हैं इस बार। लेकिन 1 मिनट 42 सेकेंड का समय बचा है अभी भी। तो यहाँ पर क्या 2 अंकों से लीड पर है तमिल थलाइवा, तो लास्ट मोमेंट पे क्या कमाल कर पाते हैं गुजरात जाइंट। तो मौका है गुजरात जाइंट के पास क्योंकि 4 ही खिलाड़ी है तमिल थलाइवा के। और एक बार फिर से राकेश को भेजा गया है रेट करने के लिए, सुपर 10 लगा चुके हैं। यहाँ पर दो दो मांग रहे हैं, क्या ये 2 पॉइंट मिलते हैं या नहीं। 2 पॉइंट और इसी के साथ 30 ऑल, 30 30, 1 मिनट 11 सेकंड का मैच फिर भी बचा है अभी। 30 ऑल, क्या आज फिर से हम दूसरा मुकाबला यहां पर ड्रॉ करते हुए देखेंगे, ये देखना होगा। और जबरदस्त एक बार फिर से यहां पर रेड करने के लिए आए हैं हिमांशु, और मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं। सुपर टैकल यहां पर ऑन होगा, तो क्या बोनस मिला है या नहीं ये देखना होगा। तो अभी भी वापस गए, बोनस जरूर मिला है। 31-30 और अब फिर से आए हैं एक बार राकेश, सुपर टैकल ऑन है इनके लिए, ये देखना होगा क्या सुपर टैकल यहाँ पर होते हैं या नहीं। अगर सुपर टैकल हुए तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ। और आउट, यहाँ पर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, और राम मेहर सिंह ने लिया है टाइम आउट। 31 ऑल का स्कोर हुआ है अभी तक, और अंतिम खिलाड़ी है यहाँ पर हिमांशु। अगर यहाँ पर ये आउट हो जाते हैं तो फिर 3 पॉइंट मिलेंगे डायरेक्ट, 2 पॉइंट मिलेंगे ऑल आउट के, 1 पॉइंट मिलेगा टीम का, 3 पॉइंट मिलेंगे किसी भी टीम को। अगर गुजरात जाइंट यहां पर टैकल कर लेती है इन्हें तो फिर, और यहां पर रोहित को बुलाया गया है। तो वहां पर क्या स्ट्रेटेजी रहती है इस समय, राम मेहर सिंह बात करते हुए खिलाड़ियों से।
कह रहे हैं कि बोनस नहीं देना है, चाहे जो भी हो जाए आप बोनस नहीं देंगे। और हिमांशु बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, तो अब देखना होगा कि हिमांशु क्या कमाल कर पाते हैं। अब रेड होगी हिमांशु की और शायद ये अंतिम रेड होगी। 27 सेकंड बचे हैं। यहाँ पर रोहित अंदर आए हैं चंद्रन रंजीत की जगह में, तो रोहित को इसलिए बुलाया है कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, टीम को बुलाएंगे, बताएंगे कि क्या करना है। और हिमांशु रेड करने के लिए आए हैं, देखना होगा कि हिमांशु बोनस नहीं देना है ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रॉ की तरफ जाएंगे ये डेफिनेटली। तो क्या रिस्क लेंगे यहाँ पर हिमांशु, देखना होगा। तो यहाँ पर 11 सेकंड, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये दूसरा मुकाबला ड्रॉ होता हुआ यहाँ पर, और ये हो गया है ड्रॉ। दो मुकाबले आज के ड्रॉ, दोनों ही पहला और दूसरा मुकाबला ड्रॉ होता हुआ। 31 ऑल, 31 ऑल, दोनों ही मुकाबले हो चुके हैं ड्रॉ आज के। जबरदस्त, बहुत ही शानदार खेली है ये दोनों ही टीमें, और पवन सेहरावत के बिना ही तमिल थलाइवर ने शानदार प्रदर्शन किया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, गुजरात जायंट्स के इतने बड़े स्टार नहीं है इस टीम में, लेकिन फिर भी बहुत शानदार खेली है। जबरदस्त 31 ऑल का स्कोर और मैच हो चुका है यहाँ पर बराबर। और अगर बात करें हम इस समय खिलाड़ियों के स्कोर की, तो आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरह से स्कोर किया है। ये देखिए, राकेश 13 पॉइंट लिए हैं इन्होंने, सौरभ गुलिया के 2 पॉइंट है, अक्रम शेख के 2 पॉइंट है, चंद्रन रंजीत के 5 पॉइंट है, प्रतीक दहिया के 4 पॉइंट है, और शंकर गडई के 1 पॉइंट है, रिंकू नरवाल का 1 पॉइंट है। दूसरी तरफ बात करें, तमिल तलाइवा अजिंक्य पवार के 3 पॉइंट है, एम अभिषेक के 3 टैकल किए हैं इन्होंने, मोहित का 1 पॉइंट है, नरेंद्र ने सुपर 10 लगाया है ज़बरदस्त, और पवन सेहरावत, इनको चोट के कारण ये बाहर गए, और अब सागर ने आज खाता नहीं खुलाया अपना। और साहिल गुलिया लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, 4 पॉइंट इन्होंने लिए हैं। और अब अगला मैच यहां पर शुरू होने वाला है, देखना होगा कि अगले मैच में यहां पर। तो ये है आज तीसरा मैच, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। अब देखना होगा कि यहां पर क्या कमाल कर पाती है दोनों ही टीमें। तो ये है तीसरा मुकाबला जो आपके बीच खेला जाएगा। अब तो यहाँ पर अगर आप देखिए बंगाल वॉरियर्स की टीम, अगर आप देखिए मनिंदर सिंह होंगे कप्तान, आशीष सांगवान, बालाजी टी,
दीपक हुड्डा हो गए, श्रीकांत यादव हो गए, शुभम शिंदे हो गए और गिरीश मारुति इरंग, ये हो गए सात प्लेइंग सेवन। या दूसरी टीम से अगर बात करें हम, मीत हरियाणा स्टीलर, मीतू महेंद्र होंगे, मोहित हो गए राइट कवर पे और जयदीप दहिया लेफ्ट कवर पे हो गए और मनजीत रेडर हो गए, पिछली बार चेन्नई की टीम में थे। नितिन रावल हो गए ऑलराउंडर है, मोनू हो गए डिफेंडर होंगे राइट कॉर्नर पर और जोगिंदर नरवाल सबसे सीनियर प्लेयर ये होंगे लेफ्ट कॉर्नर पे और ये कप्तान भी रहेंगे हरियाणा स्टीलर्स के। तो ये है प्लेइंग 11 और सब्स्टिट्यूट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सब्स्टिट्यूट दोनों ही टीमों के, सुरेंद्र नाड़ा, आकाश पिक्कल मुंडे, वैभव गर्जे, असलम थम्पी, मनोज गौड़ा, रोहित और प्रवीण सतपाल। और दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पर हर्ष, राकेश नरवाल, अंकित, सनी और के प्रपंजन और विनय, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मनजीत सिंह जो कोच है इस समय हरियाणा स्टीलर्स के, पिछली बार गुजरात जायंट्स के कोच थे और इस बार कोच है हरियाणा स्टीलर्स के। तो देखता होगा कि इनके इसमें किस तरह से खेलती है दोनों ये टीम। तो दोनों ही टीमें यहाँ पर आ चुकी है। अगर बात करें मनिंदर सिंह खेलेंगे सेंटर बंगाल वॉरियर्स की, सीजन 7 की विजेता, आशीष संगवान हो गए राइट कवर पे और बालाजी डी हो गए लेफ्ट कवर पे, दीपक हुड्डा हो गए राइट इन पे और लेफ्ट इन पे हो गए श्रीकांत यादव और शुभम शिंदे राइट कॉर्नर होंगे, गिरीश नार्क हो गए लेफ्ट कॉर्नर पे। तो दोनों ही टीमें पहुंच चुकी है कोर्ट पर और थोड़ी ही देर में अब यह मुकाबला शुरू होगा। और अब बात करते हैं मनिंदर सिंह की, 993, इनके पास एक मौका है 1000 पॉइंट लेने का आज, तो क्या आज 1000 पॉइंट स्कोर कर पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। मनिंदर सिंह अभी तक मात्र एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो 1000 पॉइंट स्कोर किए हैं, 1300 से ऊपर पॉइंट है प्रदीप नरवाल के, उसके बाद पवन सेहरावत और तीसरे नंबर पे है मनिंदर सिंह। तो क्या इस बार भी इस तरह का परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। तमिल थलाइबा और गुजरात जायंट्स के बीच आज के जो दोनों ही मुकाबले, पहला और दूसरा मुकाबला, दोनों ही मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, तीसरा मुकाबला थोड़ी ही देर में होने वाला है, देखना होगा तीसरे मुकाबले में हमें एक बार क्या फिर से एक बार ड्रॉ की तरफ जाता है या फिर यहाँ पर डिसीजन निकल कर आता है। अगर हम सीजन 8 की बात करें तो सीजन 8 में बहुत से मुकाबले ड्रॉ हुए थे, मनिंदर सिंह को हम देख पा रहे हैं, मनिंदर सिंह क्या आज 1000 पॉइंट स्कोर कर पाएंगे नहीं। अभी तक 993 पॉइंट हैं इनके, इनको 3 पॉइंट चाहिए हो गए और 6 पॉइंट चाहिए हो गए और स्कोर करने के लिए 7 पॉइंट, तो 1000 पॉइंट हो जाएंगे इनके। और यहाँ पर टॉस और पहले यहाँ पर रेड होनी है, यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ पहली रेड थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, देखना होगा कि कौन यहां पर शुरुआत करते हैं रेड की। तो बंगाल वॉरियर्स की ओर से क्या मनिंदर सिंह होंगे, जी हां यहां पर रेड शुरू हो चुकी है, मनिंदर सिंह
तो इनके 993 रेट पॉइंट है, तो 7 पॉइंट चाहिए होगे और इनको खेलने के लिए यहाँ पर। और जैसे ही मुकाबला अभी शुरू होने हो चुका है और पहला टैकल यहाँ पर मनिंदर का, पहला टैकल किया है यहाँ पर गुजरात जायंट्स ने। तो जोगिंदर ने यहाँ पर शिकार किया है जबरदस्त। तो मनिंदर पहले ही रेड में जाते हुए हरियाणा स्टीलर ने अपना खाता खोला और यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है ऑनलाइन आने में इसे, आप वेट करें। और मीतू महेंद्र को यहाँ पर टैकल किया बहुत ही शानदार तरीके से और एक एक पॉइंट दोनों ही टीम को, वन ऑल। और अब दीपक हुड्डा गए हैं यहां पर जबरदस्त टैकल एक बार फिर से। यहां पर लेटेस्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पर, देखना होगा कि कितना समय लगता है। और दूसरी बात हम बात करें तो पांच एक का स्कोर हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, हरियाणा स्टीलर्स 4 पर और बंगाल वॉरियर्स 1 पर। यहाँ पर रेड के लिए आए हैं मीतू महेंद्र। तो यहां पर ऑनलाइन साइट डाउन होती हुई, यहां पर अभी तक ऑनलाइन साइट डाउन है इसीलिए यहां पर मात्र स्कोर आप देख पाएंगे। जी हाँ यहां पर लाइव अपडेट आना शुरू हो चुका है। जी हाँ ये आप देख सकते हैं यहां पर मीतू महेंद्र को रेड करते हुए। और 1-4 का स्कोर और 1 पॉइंट लिया है यहां पर। तो 2-4, जोगिंदर नरवाल को जाना होगा बाहर। एक बार फिर से यहां पर रेड के लिए गए हैं श्रीकांत यादव, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, पिछली बार बेंगलुरु बुल्स से खेल रहे थे। और यहां पर जबरदस्त टैकल किया है इन्हें और यहां पर बंगाल वॉरियर्स को एक और पॉइंट मिला है। 3-4 का स्कोर अब। तो धीरे धीरे वापसी करती हुई बंगाल वॉरियर्स इनिशियल पहले मुकाबले। तो अब रेड के लिए मनिंदर सिंह आए हैं एक बार फिर से, देखना होगा मनिंदर सिंह क्या कमाल कर पाते हैं। अभी तक पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए हैं, 3-4 का स्कोर है और बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। अभी आज के जो तीनों मुकाबले हैं, कल के भी तीनों मुकाबले बहुत ही शानदार रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं लगा कि कोई भी टीम बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जो भी मैच जीते हैं वो बहुत छोटे छोटे मार्जिन से जीते हैं। और अब एक बार फिर यहाँ पर रेड होनी है हरियाणा स्टीलर्स की ओर से। मीतू महेंद्र एक बार फिर से आए हैं रेड करने के लिए और सातों के सात खिलाड़ी है बंगाल वॉरियर्स के मैदान में। यहाँ पर गलत प्रयास, अननेसेसरी प्रयास,
और आशीष ने यहाँ पर अननेसेसरी प्रयास किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक और पॉइंट मिला है यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स को 5-3 का स्कोर। और मनिंदर सिंह एक बार फिर से रेड के लिए आए हैं, तो मनिंदर सिंह के फैन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और मनिंदर सिंह के लिए क्या यहाँ पर ले पाएंगे बोनस? ऑन है बोनस, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बोनस शायद ले लिया है मनिंदर सिंह ने और वापस आए हैं अब। जी, बोनस नहीं मिला है अभी तक। स्कोर 3-5, रेड है अब हरियाणा स्टीलर्स की ओर से। मीतू महेंद्र कंटिन्यू रेड कर रहे हैं, लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए अभी तक। और यहाँ पर जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त टैकल यहाँ पर, ऐसा लगा बहुत ही करीब थे सेंटर लाइन के, लेकिन अपना संतुलन खो बैठे और पीछे से एकदम से आके गिरीश ने यहाँ पर टैकल किया। 1-2 इंच की नजदीकी पर थे सेंटर लाइन के, उनका पूरा ध्यान था यहाँ पर सामने की तरफ। पीछे गिरीश मारुति आए और एकदम से टैकल कर लिया। और यहाँ पर डू एंड डाई रेड और जबरदस्त टैकल यहाँ पर, शानदार यहाँ पर दीपक निवास हुड्डा आउट हुए हैं। जबरदस्त जयदीप की ओर से प्रयास हुआ, शानदार, और एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। 4-5 का स्कोर, बंगाल वॉरियर्स तैयार एक बार फिर से रेड करने के लिए। यहाँ पर आए हैं मंजीत, पिछली बार चेन्नई सुपर की तमिल थलाइवा की ओर से खेले थे। और यहाँ पर एक पॉइंट की डिमांड कर रहे हैं मनिंदर सिंह, शायद आउट हो गए। जी हाँ, मनिंदर सिंह को जाना होगा बाहर। 5-7-4 का स्कोर, और श्रीकांत यादव आए हैं रेड करने के लिए बंगाल वॉरियर्स की ओर से। और क्या यहाँ पर श्रीकांत यादव, जी हाँ, पॉइंट लिया है बंगाल वॉरियर्स को, एक और पॉइंट। जयदीप को जाना होगा बाहर और 5-7 का स्कोर। और अब रेड होनी है यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स की ओर से। एक बार फिर से हमें दिख रहे हैं बिंतु महेंद्र रेड करते हुए। स्कोर 5-7, यहां पर जबरदस्त टैकल गिरीश ने, और एक सक्सेसफुल टैकल किया है। एक और पॉइंट मिलेगा यहां पर। 6-7 का स्कोर, मीतू महेंद्र को जाना होगा बाहर। बहुत ही शानदार, तो श्रीकांत यादव एक बार फिर से, बोनस नहीं है क्योंकि 5 ही खिलाड़ी है। देखना होगा कि क्या कमाल करते हैं श्रीकांत यादव, लेकिन नहीं, वापस आएंगे। 6-7 का स्कोर है इस समय, और मनजीत आए हैं रेड करने के लिए। देखना होगा क्या मनजीत यहां पर पॉइंट ले पाते हैं अपनी टीम के लिए या नहीं। और मनजीत वापस जाएंगे बिना किसी पॉइंट के, परेड होनी है बंगाल वॉरियर्स की ओर से। मनिंदर सिंह रेड करने के लिए आए हैं, तो अभी तक खाता नहीं खुला है मनिंदर सिंह का। बहुत बड़े खिलाड़ी है लेकिन खाता नहीं खोल पाए हैं अभी तक। यहाँ पर बोनस तो जरूर मिला होगा, बोनस भी नहीं है, 5 ही खिलाड़ी है, खाता नहीं खुला अभी तक। वापस गए, ये बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर। और नितिन रावल आए थे, वापस गए, और श्रीकांत यादव डू एंड आई रेड में, डू एंड आई रेड श्रीकांत यादव।
देखना होगा कि क्या कर पाते हैं श्रीकांत यादव। यहाँ पर पॉइंट लेना जरूरी और बोनस भी ऑन नहीं है। और यहाँ पर क्रॉस कर गए हैं, स्टेप आउट कर गए हैं बाहर। श्रीकांत यादव को जाना होगा आउट। 1 पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा स्टीलर को, तो 8-6 का स्कोर। और मंजीत आए हैं रेड करने के लिए। और यहां पर क्या 2 पॉइंट हो सकते हैं या 1 पॉइंट मिलेगा, देखना होगा। यहां पर एक ही पॉइंट मिला है मंजीत को। और 9, और 6 का स्कोर। और एक बार फिर मनिंदर सिंह को भेजा गया है रेड करने के लिए। और तीसरी बार मनिंदर सिंह यहां पर आउट हुए हैं, तो ये बहुत ही नई चीज यहां पर देखने को मिली है। इस तरह से आज चल नहीं पा रहे हैं मनिंदर सिंह, ये तीसरी बार आउट हुए हैं। जबरदस्त यहां पर पंकज मोहिते ने टैकल किया है। पर फिर यहां पर रेड होती हुई हरियाणा स्टीलर्स की ओर से। क्या विनय है ये रेड? हाँ जी हाँ, विनय रेड करते हुए। यहां देखना होगा कि विनय क्या कमाल कर पाते हैं यहां। अभी तक पॉइंट नहीं लिया है इन्होंने। और वापस जाएंगे विनय। बाकी आप और अब दीपक हुड्डा रेड करने गए और वापस आए। यहाँ पर एक बार फिर से विनय को भेजा गया है रेड करने के लिए। देखना होगा कि विनय क्या कमाल कर पाते हैं। और गिरीश एक बार फिर जबरदस्त टैकल यहाँ पर। और 1 पॉइंट और मिलेगा और बाहर था, पुश किया इन्हें। और 7-10, बहुत ही शानदार। गिरीश यहां पर फुल पोटेंशियल के साथ खेलते हुए। और अब श्रीकांत यादव एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं। बोनस ऑन है इनके लिए क्योंकि 6 खिलाड़ी है इस समय हरियाणा स्टीलर्स के। 7-10 का स्कोर है इस समय। श्रीकांत यादव जाएंगे वापस, तो क्या बोनस नहीं दिया है? और अब मंजीत हरियाणा स्टीलर की ओर से रेड करने आए हैं। यहां पर पहला हाई फाइव लगा है इस मुकाबले का, इस मैच का पहला हाई फाइव गिरीश मारुति एंक ने। 5 पॉइंट गिरीश ने लिए है, 2 पॉइंट सिर्फ रेडर ने लिया। आप देखिए यहां पर डू एंड डाई रेड में श्रीकांत यादव। श्रीकांत यादव और इस बार जबरदस्त टैकल यहां पर, बहुत ही शानदार टैकल। देखना होगा कि ये किसने टैकल किया है। मंजीत ने, बहुत ही शानदार मंजीत ने टैकल किया, बहुत ही शानदार। ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। और अब एक बार फिर से मंजीत आए हैं रेड करने के लिए। गिरीश की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्या। यहां देखना होगा कि क्या आउट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन नहीं। और वापस गए मंजीत। और अब रेड होनी है एक बार फिर। दीपक निवास हुड्डा आए हैं रेड करने के लिए। अभी तक खाता नहीं खुला है इनका, इनको जल्द से जल्द खाता खोलना होगा। यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स को 7-11 4 अंकों से आगे चलती हुई हरियाणा स्टीलर। मात्र 4 खिलाड़ी रह चुके। वापस गए दीपक हुड्डा। और एक बार फिर से विनय को भेजा गया है रेड करने के लिए। अगर पिछली बार हम देखे डू एंड डाई रेड है ये, पिछली बार हम देखे विनय को, लेकिन इस बार काफी हेल्दी दिख रहे हैं। पिछली बार ज्यादा पतले थे। जबरदस्त आई एक बार फिर से गिरीश मारुति, क्या बात है। ये छटा ये लगा है इनका।
जब ये चलते हैं तो अकेले ही सभी पर भारी पड़ते हैं, और यही देखने को मिला। क्या टैकल है, जबरदस्त! इनके ग्रिप से कोई नहीं बच सकता। 6 पॉइंट ले चुके हैं अभी तक, शानदार। आप यहां देख सकते हैं कि अभी तक टोटल 8 पॉइंट लिए हैं बंगाल वॉरियर्स ने, जिसमें 6 पॉइंट गिरीश मारुति ने लिए हैं अकेले। तो आप देखिए किस लेवल के खिलाड़ी है ये, बहुत ही शानदार। और मनोज गौड़ा को रिप्लेस किया, मनोज गौड़ा आए हैं यहाँ पर, रिप्लेस किया गया है कुछ। डू एंड डाई रेड में मनोज गौड़ा, और मनोज गौड़ा आए हैं बालाजी डी की जगह में अंदर। तो यहां पर 1 पॉइंट मिलेगा, जी हाँ। तो 9-11 का स्कोर मनोज गौड़ा। यहां पर जोगिंदर नरवाल कोशिश कर रहे थे टैकल करने की, लेकिन चूके और सहारा नहीं मिला। गुस्सा कर रहे हैं टीम वाले पर, और मंजीत आए हैं रेड करने के लिए। 9-11 का स्कोर। मंजीत 9-11 का स्कोर, और रेड होनी है अब बंगाल वॉरियर्स की ओर से। एक और पॉइंट मिलता हुआ, 10-11 का स्कोर, शानदार। और दीपक हुड्डा एक बार फिर से रेड करते हुए, यहां पर देखना होगा 4 खिलाड़ी मात्र बचे हैं, तो यहां क्या टैकल कर पाते हैं इन्हें। लेकिन नहीं, दीपक ने बस हुड्डा यहां से वापस आते हुए, और अब यहां पर एम्पायर कुछ कहते हुए। यहाँ पर शायद स्टेप आउट हुआ है, जी नहीं, यहाँ पर रेड है इस समय नितिन रावल की। नितिन रावल रेड करते हुए अभी तक पॉइंट नहीं लिया है, 7ों के 7 खिलाड़ी है बंगाल वॉरियर्स के। तो क्या इस समय एक बार फिर से मनोज गौड़ा को भेजा गया है, ये एक अच्छी टैक्टिस। मनिंदर सिंह नहीं चल पा रहे हैं, दीपक निवासुटा नहीं चल पा रहे, तो मनोज गौड़ा इसीलिए इनको रिप्लेस किया। और यहाँ पर प्रयास किया इनको टैकल करने का, लेकिन चूके एक और पॉइंट मिलता हुआ, 11-11 का स्कोर, दोनों ही टीमें 11-11 पर। मनोज गौड़ा ने आते ही 2 पॉइंट लिए हैं, पहली रेड में 1 पॉइंट, और ये अभी की रेड में 1 पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त। 11-11 पर दोनों ही टीमें। और अब एक बार फिर से नितिन रावल रेड करते हुए, 1 मिनट 22 सेकंड का ये मैच बचा है अब फर्स्ट हाफ। तो यहाँ पर क्या बोनस मिला है या नहीं, जी हाँ बोनस मिला है। तो हरियाणा स्टीलर्स को एक और पॉइंट मिलेगा, 12-11। और अब सुपर टैकल ऑन, मनिंदर सिंह आए हैं सुपर टैकल में, अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिला, 3 बार आउट हो चुके हैं मनिंदर सिंह। तो यहाँ पर एक चुनौती होगी इनके लिए पॉइंट लेना, और क्या मनिंदर यहाँ खाता खोल पाएंगे अपना या नहीं, देखना होगा। तो जी नहीं, और जी हाँ 1 पॉइंट जरूर मिला है, स्टेप आउट कर गए थे खिलाड़ी। और 12-12, दोनों ही टीमें 12-12 पर, जी हाँ स्टेप आउट कर गए थे यहाँ पर।
जयदीप स्टेप आउट कर गए और नितिन रावल आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए। और अब वापस गए नितिन रावल, एक बार फिर से मनिंदर सिंह को भेजा गया है रेड करने के लिए। मात्र दो खिलाड़ी है यहां पर, नितिन रावल और यहां पर दोनों ही खिलाड़ी शायद, लेकिन एक ही और नितिन रावल। तो मनिंदर सिंह को यहां पर एक पॉइंट मिला है, पहला खाता खुला है मनिंदर सिंह का। और यहाँ पर हाफ टाइम होता हुआ, तो गिरीश मारुति अभी तक जबरदस्त, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से परफॉर्मेंस रही है दोनों ही टीमों की। मनिंदर सिंह आप देखिए, उनका खाता नहीं खुला है। आशीष सांगवान को एक पॉइंट मिला है, बालाजी को पॉइंट नहीं मिला, दीपक हुड्डा को पॉइंट नहीं मिला है, श्रीकांत यादव ने दो पॉइंट लिए हैं। और ये देखिए जबरदस्त कमाल, गिरीश मारुति, ये आप देखिए रेड नहीं किया, टोटल छह टैकल का प्रयास किया, छह के छह सक्सेसफुल, बहुत ही शानदार, क्या कहेंगे आप इसे, जबरदस्त। छह पॉइंट लिए, छह बार टैकल करने का प्रयास किया और छह के छह पॉइंट लिए हैं, बहुत ही शानदार। और अब बात करते हैं हरियाणा स्टीलर, मीतू महेंद्र ने एक पॉइंट लिया है, मोहित ने दो पॉइंट लिए हैं, जयदीप को एक पॉइंट मिला है, मनजीत ने पांच पॉइंट लिए हैं, नितिन रावल को एक पॉइंट मिला है, मोनू को एक पॉइंट मिला है, जोगिंदर नरवाल जो कप्तान है उन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं टीम स्टेट्स की। स्टेटिस्टिक आप देख लीजिए यहाँ पर, ये है पूरा चार्ट आपके सामने। तो यहाँ पर अगर हम नज़र डालें, 13 पॉइंट है बंगाल वॉरियर्स के, 12 पॉइंट है हरियाणा स्टीलर्स के, टोटल रेड पॉइंट तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर रेड पॉइंट का, पांच रेड पॉइंट है बंगाल वॉरियर्स के और छह रेड पॉइंट है यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स के। तो हरियाणा स्टीलर यहाँ पर एक स्टेप आगे है। और दूसरी तरफ अगर बात करें बंगाल वॉरियर्स के टैकल की, तो आप यहाँ पर देखिए सात टैकल पॉइंट, जिसमें से छः अकेले गिरीश मारुति ने लिए हैं और पाँच हरियाणा स्टीलर्स को मिले हैं। ऑल आउट का पॉइंट किसी को नहीं मिला है, दोनों ही टीमें ऑल आउट नहीं हुई है, और एक्स्ट्रा पॉइंट एक एक दोनों ही टीम को मिला है। और अब आते हैं रेड की स्टैटिस्टिक पर, ये देखिए आप, रेड 22 रेड हुई है यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स की ओर से और 6 सक्सेसफुल रही है और सुपर रेड एक भी नहीं हुई अभी तक। और रेड सक्सेस रेट है 27% और स्ट्राइक रेट है 22% और लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल स्ट्राइक है यहाँ पर 4। दूसरी तरफ अगर बात करें हरियाणा स्टीलर्स की, 21 रेट इन्होंने की है, 5 सक्सेसफुल रही है और स्ट्राइक रेट इनका है 23 और सक्सेस रेट है 23% और स्ट्राइक रेट है 28%, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है इनका एक। अब बात करते हैं टैकल की, ये देखिए आप टैकल, दोनों ही टीमों ने 11 टैकल किए हैं, बंगाल वॉरियर्स ने और 10 किए हरियाणा स्टीलर्स ने। सक्सेसफुल टैकल, 7 सक्सेसफुल टैकल हुए बंगाल वॉरियर्स के और 5 हरियाणा स्टीलर्स के, सुपर टैकल अभी तक नहीं हुआ है। सक्सेस रेट अगर आप देखें तो 63% बंगाल वॉरियर्स का है और 50% हरियाणा स्टीलर्स का, बहुत ही शानदार। तो अभी तक के यहाँ पर टॉप स्कोरर अगर बात करें तो मनजीत है और गिरीश मारुति, बंगाल वॉरियर्स की अगर बात करें तो गिरीश मारुति है, ये आप देखिए इनका टोटल 6 बार प्रयास किया है, 6 के 6 बार कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ मनजीत यहाँ पर देख सकते हैं आप, मनजीत टोटल 8 रेट की है, 3 सक्सेसफुल रही है, 2 अनसक्सेसफुल और 3 एम्प्टी रेट, टैकल एक सक्सेसफुल रहा है इनका और 8 पॉइंट इनको, 5 पॉइंट इनको मिले हैं। तो ये है अभी तक का स्टेटिस्टिक, आप देखना होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर आगे जाती है, बाजी मारती है। अभी तक काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। अगले 20 मिनट में यह डिसाइड होगा कि ये कौन आज का मुकाबला जीतता है।
और अब दूसरा हाफ शुरू होने वाला है। देखना होगा दूसरे हाफ में क्या कर पाती है दोनों ही टीमें। ये आप फर्स्ट हाफ देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाफ का कंपैरिजन। और एक पॉइंट से आगे है इस समय बंगाल वॉरियर्स। पहले स्टार्टिंग में पिछड़ गई थी, लेकिन उसके बाद गिरीश मारुति ने जबरदस्त जलवा दिखाया और टीम को यहां तक पहुंचाया। तेरह बारह का स्कोर, एक बार फिर से यहां पर रेड करने को तैयार, मैच शुरू होने को। और एक बार आपको बता दें, कल जो मुकाबला होगा वो है 9 अक्टूबर को, वो है पुनेरी पल्टन और बेंगलुरु बुल्स का। और 10 तारीख को होगा दबंग दिल्ली। तो कल एक ही मुकाबला है। एक बार फिर से नितिन रावल आए हैं रेड करने के लिए। यहाँ देखना होगा नितिन रावल क्या कमाल कर पाते हैं। और क्या यहाँ पर सुपर रेड होगी? ये पहली सुपर रेड होगी आज की है अगर। जी हाँ, सुपर रेड नितिन रावल की। तो ये सुपर रेड हुई है यहाँ, सुपर रेड नितिन रावल की ओर से जबरदस्त। बहुत ही शानदार। तो ये दूसरी सुपर रेड है इस मैच की अभी तक। कल एक सुपर रेड हुई थी और एक बार फिर से मनिंदर सिंह। यहां पर मनिंदर सिंह एक पॉइंट लेकर गए, 14-15 का स्कोर। फोर्टीन फिफ्टीन, बोनस लिया है यहां पर। और 16-14 का स्कोर, मनिंदर सिंह आए हैं एक बार फिर से। और यहां पर सुपर टैकल हुए मनिंदर सिंह। देखना होगा कि क्या यहां पर निकल पाते हैं या नहीं सुपर टैकल से। और यहां पर विसल बज चुकी है और सुपर टैकल इस समय 16 ऑल 16 ऑल। जबरदस्त यहां पर टैकल किया है और काफी प्रयास किया है मनिंदर सिंह ने, लेकिन कामयाबी नहीं। हरियाणा स्टीलर्स 18, बंगाल वॉरियर्स 14। और मनोज गौड़ा ने यहाँ पर मंजीत का शिकार किया है, तो मंजीत को जाना होगा बाहर। तो स्कोर अभी वह है 15-18। पंद्रह 19, एक और पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर। स्कोर बोर्ड में यहाँ प्रॉब्लम आती हुई।
पर मनोज गौड़ा एक बार फिर से ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ यहाँ पर, और जबरदस्त टैकल, दूसरा सुपर टैकल यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन दूसरा सुपर टैकल इस मुकाबले का, 19-15 दो पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर। तो जर्सी की वजह से ये टैकल नाकामयाब माना गया है, क्या यहाँ पर देखना होगा कि रिव्यू लिया गया है। जबरदस्त अटेम्प्ट था ये, यहाँ पर रिव्यू लिया गया है मनोज नितिन रावल की ओर से। 15-19 का स्कोर है अभी तक, देखना होगा कि ये रिव्यू सक्सेसफुल रहता है या नहीं। तो रेफरी यहाँ पर कहे हैं कि एक डिफेंडर बाहर चला गया था और एक ही पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ देखना होगा कि क्या बाहर गए हैं या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर विनय बाहर गए हैं। तो यहां पर विनय आउट हुए हैं, स्टेप आउट कर गए, विनय आउट हुए हैं, और यहां पर सुपर टैकल इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि अकेले नितिन रावल ने टैकल किया था मनोज घोड़ा का। तो देखना होगा एम्पायर का क्या फैसला आता है। अनसक्सेसफुल रिव्यू, 1 पॉइंट टू बंगाल वॉरियर्स और 16-19। और अब एक बार फिर से अंतिम खिलाड़ी है हरियाणा स्टीलर्स के, क्या यहाँ पर ऑल आउट से बचा सकते हैं हरियाणा स्टीलर्स को या नहीं। यहाँ पर इनको देखना होगा कि 4 8 पॉइंट आ चुके हैं अभी तक इनके, और नितिन रावल जाना होगा वापस। तो अभी तक शायद ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बोनस भी इसको नहीं, यहाँ पर क्या रेडर आउट, और यहाँ पर बोनस जरूर मिला है, 3 पॉइंट मिलेंगे बंगाल वॉरियर्स को, और ऑल आउट यहाँ पर, तो 20-16, 20-19, तो 1 पॉइंट की लीड बची है अब हरियाणा स्टीलर्स के पास। अब देखना होगा क्या बंगाल वॉरियर यहाँ पर वापसी कर पाती है या नहीं। 1 पॉइंट से पीछे है बंगाल वॉरियर्स, यहाँ पर रेड होनी है अब बंगाल वॉरियर्स की ओर से। रेड करने के लिए आए हैं मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, तो देखना होगा कि क्या इस रेड में कमाल कर पाते हैं। बोनस ऑन रहेगा क्योंकि सातों के सात खिलाड़ी है इस समय, और 19-20 का स्कोर है, और मनिंदर सिंह इस समय वापस आते हुए। जी बोनस मिला है 20 ऑल,
चार तीन रेड पॉइंट हुए हैं इस समय। और मंजीत आए हैं रेड करने के लिए। मंजीत देखना होगा क्या यहाँ पर आउट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बोनस भी नहीं। जी हाँ, बोनस ले दिया गया है 21-20 श्रीकांत यादव टू एंड आई रेड में। जी नहीं, डू एंड आई नहीं है, श्रीकांत यादव रेड करते हुए, तो बोनस ऑन रहेगा इनके लिए। जी हाँ, एक टीम को यहाँ पर आउट किया है, देखना होगा कि क्या यहाँ पर। जी हाँ, बंगाल वॉरियर्स को एक पॉइंट मिला है, आउट करार दिया गया है यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स के एक खिलाड़ी को। और अब श्रीकांत मंजीत एक बार फिर से रेड करने के लिए गए हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर गिरीश मारुति को आउट किया है इन्होंने। गिरीश मारुति को जाना होगा बाहर। स्कोर हुआ है 22-21। मनिंदर सिंह एक बार फिर से रेड करने के लिए आते हुए। मनिंदर सिंह आज यहाँ पर देखना होगा कि क्या अपने 1000 पूरे कर पाते या नहीं। एक पॉइंट लेकर आए हैं मनिंदर सिंह और 22 ऑल। तो नितिन रावल आउट हुए हैं, नितिन रावल को जाना होगा बाहर। 22-30, तो यहां पर राकेश आए हैं नए खिलाड़ी, राकेश नरवाल वो रेड कर रहे हैं और वापस गए। एक बार फिर श्रीकांत यादव जा रहे हैं रेड करने के लिए। क्या श्रीकांत यादव होंगे या फिर मनिंदर सिंह जाएंगे? श्रीकांत यादव को भेजा गया है रेड करने के लिए। और एडवांस टैकल किया है, क्या जयदेव क्रॉस किए हैं यहां पर सेंटर लाइन, देखना होगा। एडवांस टैकल, और 22-23 का स्कोर। मंजीत आए हैं रेड करने के लिए यहां पर, शायद सुपर रेड होगी ये। मंजीत क्या देखना होगा क्या यहां पर। जी हाँ, 2 पॉइंट मिलने चाहिए यहां पर। तो 22-25 का स्कोर। और अब मनिंदर सिंह आए हैं रेड करने के लिए, देखना होगा कि मनिंदर सिंह यहाँ पर पॉइंट लेकर जाते हैं। और यहाँ पर बाहर पुश किया मनिंदर सिंह को, क्या मनिंदर सिंह को बोनस मिलेगा या नहीं? दी नहीं, बोनस नहीं मिला है। 26-22 का स्कोर, 26-22, यहाँ पर वापसी करनी होगी, देखना होगा कितनी जल्दी वापसी करते हैं। तो 26-22 का स्कोर है, माफ कीजिए, यहाँ पर स्कोर बोर्ड जो ऑनलाइन स्कोर बोर्ड है वो अपडेट नहीं हो रहा। तो 22-26, और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया है एम्पायर ने। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 22-26 का स्कोर है, 22-26। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मंजीत 9 पॉइंट्स के साथ चल रहे हैं। और दूसरी अगर बात करें, 7 पॉइंट नितिन रावल, बहुत ही शानदार। और दूसरी यहाँ पर अगर बात करें, मनिंदर सिंह के 4 पॉइंट है, और 3 पॉइंट श्रीकांत यादव के, 6 पॉइंट है गिरीश मारुति के बाद की कोई भी हमें इस तरह का प्रोमिनेंट प्लेयर नहीं दिखा है। 3 श्रीकांत यादव ने लिए है, 4 पॉइंट मनिंदर सिंह के लिए है, 1 पॉइंट आशीष सांगवान। तो अब मनिंदर सिंह को और 3 पॉइंट चाहिए होंगे 1000 पॉइंट पूरे करने के लिए।
क्या वो इसी मैच में कर पाएंगे या फिर अगले मैच तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये देखना होगा। तो मनिंदर सिंह 1,000 पॉइंट के करीब है, 3 पॉइंट और लेने होंगे इनको। 3 पॉइंट अगर और लेते हैं तो फिर 1,000 पॉइंट, ये दूसरे खिलाड़ी बनेंगे प्रदीप नरवाल के बाद 1,000 पॉइंट पूरे करने वाले। तो रिकॉर्ड ब्रेकर है प्रदीप नरवाल, तो दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे मनिंदर सिंह। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट यहाँ पर समाप्त होता हुआ, और दोनों ही टीमें वापस कोर्ट पर, कोच यहाँ पर बताते हुए। तो अब देखना होगा, 22-26 का स्कोर है, 4 अंकों की लीड के साथ आगे है इस समय हरियाणा स्टीलर्स, और अभी भी 10 मिनट का खेल बचा है। तो क्या ये 10 मिनट में यहाँ पर गेम को चेंज कर सकती है हरियाणा स्टीलर्स, सॉरी बंगाल वॉरियर्स। और कल जो मुकाबला होगा वो है तेलुगु टाइटन वर्सेस बंगाल वॉरियर्स, एक ही मैच है कल। उम्मीद भी कल भी 3 के 3 मुकाबले होने की उम्मीद है, यहाँ पर 3 मुकाबले होंगे कल भी। और अक्टूबर 9 के कल 3 मुकाबले होंगे, पहला मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर और पटना पायरेट्स के बीच में, दूसरा होगा तेलुगु टाइटन और बंगाल वॉरियर्स के बीच में, तीसरा होगा पुनेरी पलटन और बेंगलुरु बुल्स के बीच में। और अक्टूबर 10 को 2 मुकाबले होंगे, यू मुंबा और यूपी योद्धा, दबंग दिल्ली और गुजरात जायंट। तो गुजरात जायंट्स अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी दबंग दिल्ली से। तो एक बार फिर से ये मैच शुरू होने वाला है, और यहाँ पर मनोज गौड़ा आए हैं रेड करने के लिए। अभी तक 3 पॉइंट है इनके, तो बोनस ऑन है इनके लिए मनोज गौड़ा। पर एडवांस, पूरी टीम एडवांस आई है आगे। यहाँ पर देख कोशिश हो रही है कि किसी तरह से टैकल किया जाए, मात्र 3 खिलाड़ी है, सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर। और मंजीत आए हैं, तो मंजीत क्या यहाँ पर मंजीत को टैकल कर पाएंगे या नहीं। गिरीश मारुति है यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे, और यहाँ पर गिरीश ही आउट हुए हैं, गिरीश बाहर जाते हुए। 1 पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा स्टीलर्स को, 27-22 का स्कोर, 27-22। और यहाँ पर प्रयास किया था लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं हुए उतना। मनजीत को एक और पॉइंट मिलता हुआ, 9 पॉइंट हो चुके हैं मनजीत के, तो सुपर 10 लगने के काफी करीब है। और मनोज गौड़ा आए हैं एक बार फिर से रेड करने के लिए, देखना होगा। तो बोनस जरूर ले लिया है मनोज गौड़ा ने, और अब वापस आएंगे मनोज घोड़ा। जी हाँ, वापस आए हैं मनोज घोड़ा, और एक बार फिर से मंजीत आए हैं रेड करने के लिए। 9 पॉइंट हो चुके हैं इनके, और अभी तक मनिंदर सिंह 10 मिनट हो चुके हैं इनको कोर्ट से बाहर गए हुए, इनका रिवाइवल नहीं हुआ है। सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर, और मनोज घोड़ा आखिरी खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स से। दूसरे ऑल आउट की तरफ जाती हुई बंगाल वॉरियर्स, यहाँ पर बहुत ही शानदार अटेम्प्ट किया मंजीत ने, और सुपर 10 कंप्लीट हुई मंजीत की। और यहाँ पर रेडर को ना छोड़ के इन्होंने आउट किया है, डिफेंडर को ना छोड़ के रेडर को आउट किया है। और अब नए खिलाड़ी है जो रेड करने के लिए आए हैं, देखना होगा कि क्या ये पॉइंट ले पाते हैं। जर्सी नंबर 17 है इनकी, पॉइंट बोनस जरूर ले लिया है। तो क्या इस समय, जी हाँ, और ऑल आउट, दूसरी बार ऑल आउट हुई है यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स। 18-31, 24 का स्कोर,
तो यहाँ पर 7 पॉइंट से आगे हैं इस समय हरियाणा स्टीलर्स, अभी भी 7 मिनट बचे हैं। और तो अब देखना होगा कि क्या अगले 7 मिनट में वापसी कर पाएगी ये टीम या नहीं। वापसी करनी होगी किसी भी हालत में, वरना ये मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो शुभम शिंदे और आशीष सांगवान को वैभव गर्जे की जगह में लाया गया है, और शुभम शिंदे यहाँ पर आए हैं असलम सजा की जगह, और अब मनजीत आए हैं रेड करने के लिए। मनजीत का सुपर 10 कंप्लीट हुआ है, पहली ही गेंद में सुपर 10 लगाया है और बोनस शायद ले लिया है यहाँ पर। देखना होगा कि इनको बोनस मिलेगा या नहीं। और अब वापस जाते हुए मनजीत और मनिंदर सिंह आए हैं रेड करने के लिए। तो मनिंदर सिंह को यहाँ पर पॉइंट चाहिए होंगे 4, अगर 1003 पॉइंट और लेने होंगे मनिंदर सिंह को। 1000 पॉइंट पूरे करने के काफी करीब है मनिंदर सिंह। और जबरदस्त टैकल यहाँ पर, ये टैकल किया है जयदेव ने, शानदार टैकल। तो बहुत ही प्रेशर में इस समय बंगाल वॉरियर्स, तो अभी तक काफी अच्छी। और यहां पर गिरीश कांत सक्सेसफुल प्रयास, एक और पॉइंट मिलेगा यहां पर हरियाणा स्टीलर्स को, 33-24 का स्कोर। और श्रीकांत यादव एक बार फिर से रेड करने के लिए आए हैं। यहां पर बोनस लेने की कोशिश हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है, अभी तक 9 अंकों का मार्जिन है। 9 अंकों के मार्जिन से आगे चल रही है इस समय हरियाणा स्टीलर्स। तो एक बार हमें फिर से बंगाल वॉरियर्स की यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में कमी देखने को मिली, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एम्पायर के द्वारा अगले 5 मिनट का खेल और बचा है, और 9 पॉइंट की लीड के साथ आगे चलती हुई हरियाणा स्टीलर्स। तो क्या यहाँ पर बंगाल वापसी कर पाएगी? यहाँ पर आसार बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 9 पॉइंट की लीड है और आपको 5 पॉइंट चाहिए। दो खिलाड़ी आपके बाहर है, दो खिलाड़ी आउट होकर जा चुके हैं, 5 खिलाड़ी मात्र हैं अंदर। और दूसरी तरफ पूरी टीम है हरियाणा स्टीलर्स की, बहुत ही शानदार।